लेकिन भागवत में ऐसा नहीं अग्रह है कि लाला भाई है या तो सुन साथ पड़ेगी। अच्छा लाला भाई हो क्या आप लोग बताएं? नहीं लगता है सारे ताल का भाई हो है दुकान मकान को सब बेच बाज कर यहाँ बैठे ही लग रहा है। अच्छा ताल का भाई हो है बताओ है लाला लाला भाई है तो लाला भाई हो यहाँ कुछ पता ना चल रहा है सब सुख साथ जैसे शोक मना रहे हैं। अरे लाला भाई घर में जब लाला होते हैं तो जन्मदिन में आनंद खुशियाँ मनाते कि नहीं मनाते ना। यहाँ तो भगवान के रूप में सब भगवान आए हैं आप लोग चुपचाप खामोश बैठे। अरे जाए सभी लगे पास खाए होकर खुशियाँ मनाए आनंद से दिखते रहे। अरे जाए
Bye.
बहुत प्रसन्न हो गया सब बैठ जाओ बच्चे गुजर में संपन्न भोग है सभी को प्रसाद मात्रा बहु मात्रा में मिलेंगे हरे कृष्णा आज आज सभी के लिए प्रसाद तो कथा के बाद में पूरी चावल राजमा हलवा आज सब प्रसाद पाक के सबके लिए सबके सब ऊपर में सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है सभी आज प्रसाद पाक चलो बच्चा 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 हो गया बैठ जा एक बार हाथ उठा के बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 एक बार हाथ उठाओ प्रभु जी फटाफट देना फटाफट दो कथा होगी सबको फटाफट दे दो बैठ जाओ फिर कल राधा रानी जन्म लेगी जितना बच्चा हुआ फिर जन्म लेगी ठीक है एक बार हाथ उठा कर दो जोर से बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वृंदावन हरे राम की जय देखो अभी उतना हरे सावधान हो जाओ अभी वसुदेव महाराज ने जब बेटा को रख करके बेटी को लेकर के आए और उन्होंने जब बेटी को अंदर में लाए तो बेटा बेटी रोना शुरू कर दी और रोना शुरू करके जितने पहरेदार जग गए कंस को बोले बोले महाराज कंस तेरे काल में जन्म ले लिया हरे कृष्ण माताएं बात नहीं बंद कर रही हरे कृष्ण सर बात बंद करो एक बार हाथ उठा कर बोलो भैया ये पीछे जो बच्चे हैं ना ये बच्चों को बाहर निकाल दो ये बच्चे एकदम बाहर निकल गए इनको निकाल दो बाहर ये कथा नहीं सुनने और सुनने नहीं देंगे इनको उठा दो वहां से इसलिए जब उतना अभी कंस को जा करके बोले बोले महाराज कंस तेरे काल जन्म ले लिया कंस भागते भागते आया देखा बेटा नहीं बेटी अभी तक तो वो थी जोग माया क्यों किसी देवकी के हाथ में बच्चा थी लेकिन जब कंस ने पकड़ा इतने में वो हो गई महामाया जब उसने पछाड़ने के लिए गया वो जो महामाया ने कंस को सर के ऊपर में एक ठोकर मारे और ऊपर चली गई जब ठोकर मारे मानो जैसे बिजली लगी वहीं पर कंस रांग करके गिर पड़ा आकाश में अष्ट भुजा धारण करते हुए बोली रे मुड़ा कंस तुम मुझे क्या मारोगे तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है कंस देखा ये मेरी जोग माया ये मेरी इष्ट देवी कंकाली है जिसको पूजा करता था ये तो कभी झूठ बोलेगी नहीं फिर उसने जितने आकाश और बकाश और पुतना को बुलाया मिट्टी किया बोले बताओ हमें क्या करनी चाहिए इतने में पुतना खड़ी हो गई बोले भैया चिंता क्यों करते हो मेरा नाम ही पुतना पुतना मतलब क्या है जिसका पुत्र नहीं इसलिए जब मेरा नाम ही पुतना फिर पुत का क्या जरूरत एक महीना को अंदर में तेरा कोई काल जन्म होगा ना बोले हाँ सबको मैं मार डालूंगी इतने में पुतना बड़ी सुंदर श्रृंगार करते हुए गोकुल में पहुंच गए तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये पुतना का मतलब क्या बोले पूत मतलब पवित्र नाम मतलब नहीं जो पवित्र नहीं अपवित्र बोले अपवित्र कहाँ प्रवेश करती है बोले नक्षत्र श्रवणादि रख नाम सुख ध्यान रखकर सुनो
उसी घर में ये पाप प्रवेश करती है जिसके घर में प्रभु का कीर्तन भजन पूजा पाठ नहीं होता है। और जिसके घर में ठाकुर का कीर्तन भजन पूजा पाठ होना वो घर में कभी पाप प्रवेश नहीं करेगी। क्यों? इतना मंगल भवना अमंगला हरी। इसलिए नियम है रोज घर में बैठ करके जब शाम को सत्य सब आ जाए ना, ध्यान देकर सुना, जब शाम के सत्य सब घर में आ जाए पूरा परिवार समेत बैठ जाओ, सबको बच्चों को लो पति पत्नी सबको लेकर बैठ जाओ। बैठ करके अगर घर में ऐसे एक मजीरा रखो और ढोलकी हो तो बहुत बढ़िया है, ढोलकी हो तो बहुत बढ़िया, सबको लेकर बैठ जाओ और बैठ करके थोड़ी समय अगर ये भी नहीं हो भगवान तो हाथ किए दोनों को ताली बजा कर लिए थोड़ी समय कीर्तन करो है। देखो आप घर में कीर्तन करोगे ना आप स्वयं देख लेना जो दुख कष्ट को आप कभी मिटा नहीं पा रहे किसी तरह से दुख घर से नहीं जा रही है आप थोड़ी सी कीर्तन करो देखना भगवान कीर्तन जहाँ हो रहा वहां पर कोई पाप प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए बोले मंगलम मंगलम मेतर मधुरम मधुरा नाम, भगवान का नाम मीठे से भी मीठे और मधुर से भी मधुर। जहाँ भगवान के नाम कीर्तन हो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं मैं उन्हीं पर ही निवास करता हूँ। इसलिए इधर उधर भागने का जरूरत नहीं, इसी देवी उसी देवता उसी कोई जरूरत नहीं, दुख कष्ट हो घर में बैठ कर कीर्तन करो जरूर। ठीक है बहुत बहुत करेगा देखो घर में कीर्तन करोगे ना घर में बच्चे परिवर्तन हो जाएंगे, पति बेटी वही घर ही जिस घर में कीर्तन होना वही वृंदावन, वृंदावन और कहीं नहीं है वृंदावन वही है। इसलिए हमारे संप्रदाय के एक संत कहते हैं यदि न गृह भजन देखी गृह पे बोलो, जिस दिन घर में कीर्तन हरि कथा हो वो घर घर भगवान की धाम है। अभी यहाँ प्रश्न करते हैं बोले भैया जहाँ कीर्तन हो वहाँ पर कोई पाप प्रवेश नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर तो स्वयं भगवान आनंद कल कृष्ण जन्म हुए हैं, जहाँ पर कृष्ण जन्म हुए फिर ये कुतना कैसे आ गए, ये पापी ये राक्षसी कैसे आ गए, बोले ये ठाकुर जी की इच्छा है। अगर वो कुतना नहीं आती फिर अगर ये पूतना नहीं आती तो अभी जो कथा सुन रहे कथा सुन पाते क्या होता है, अगर रावण नहीं होता रामायण होता नहीं, कंस नहीं होता कृष्ण होते नहीं। एक तरह से भगवान को लीला मुझे मदद करते ठाकुर को इच्छा से पूतना जब आई ऐसे लग रहा था जैसे मानो कृष्ण गोकुल में जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी वैकुंठ से उतर करके प्रभु को स्वागत करते हुए आ गई और कहाँ प्रवेश की सीधा श्री नंद भवन में। उसी समय मैया जशोदा रोहिणी कृष्ण को पलने में झूला रहे थे और कीर्तन कर रहे थे बोले जियो श्याम लाला जियो श्याम कौन कौन बोल पाएगा
हाँ किधर की सुना सब जो वो सब वो गिरिराज वाले गोवर्धन वाले जिस समय कीर्तन होना दामोदर जिस समय कीर्तन होना तभी वहाँ पर तुम आ जाना। अब सबके से बैठ जाओ बैठो अब सबके से बैठ जाओ माता जी तुम भी बैठ जाओ जा बैठ जाओ बीच में कोई बताओ और दामोदर अकेला कर लेगा जब कीर्तन होगा तुम आ जाना दामोदर ठीक है। हरे कृष्ण बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की हरी। कृष्ण कितने में आंख बंद किया चलो क्यों आंख बंद किया उसको पीछे कितना कारण बताए बोलो पांच का आज मैं सुनाऊंगा कल पूछूंगा देखूंगा कौन बोल पाता है। पहला कारण बताए अभी कृष्ण सोच रहे हैं भैया मैं आया क्यों इसलिए जगत में आया हूँ परित्राण आय साधु नाम विनाशाय दुष्टों को विनाश के लिए संतों को पालना करने के लिए आए। और सबसे पहले कृष्ण किसको मारे उतना बताओ राम सबसे पहले किसको मारे कौन वाले भाग होता राम किसको मारे तारका बल ये तारका मतलब क्या बोले तारा जति ती तारका जीव को जो भगाए बोले जीव को कौन भगाता है काम क्रोध लोभ भाव भगाता है। और उतना मतलब भूत मतलब पवित्र नाम मतलब नहीं जो अपवित्र जो अविद्या जो पाप मानो दोनों प्रभु एक ही काम किए साधकों को शिक्षा देते हैं। अगर हृदय में भगवान को बैठना चाहते हो ना क्या करो सबसे पहले ये पुतना को भगाओ भाई और ये तारका को सबसे पहले हृदय से ये तारका को भगाओ पाप को भगाओ फिर भगवान हृदय में जाकर के ठाकुर जी की निवास होगी। इसलिए ये पुतना भगवान सोच रहे हैं लेकिन ये पुतना को तो अभी भी मानने वाला हूँ लेकिन ये माँ की रूप लेकर के आई है ये माँ की रूप लेकर के आई है अभी तो ये छटपटाएगी इसके दुख फिर मैं कैसे देखूं इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दिया। दूसरा कारण है वो आई क्यों बोले बच्चों को मारने के लिए लेकिन ब्रज में जितने बच्चे हैं ना सबके सब कौन है ललिता विशाखा चंपकलता है अर्जुन लवंग ताम वसुदाम श्रीधाम सब कृष्ण का सखा सखी बोले मेरे सखा सखियों को मारने के लिए आए हो तेरे में मोह देखना नहीं चाहता इसलिए भगवान ने क्या किया आंख बंद कर दिया। तीसरा कारण बताए बच्चों का एक स्वभाव क्या स्वभाव अगर अपना परिवार के किसको देखे ना गोद में चले जाते अगर कोई अनजान व्यक्ति को देखे गोद में नहीं आते अनजान व्यक्ति को डर जाते हैं बोले ये तारीख कहाँ से आया कि इसको कभी देखो ही ना इसलिए भगवान ने क्या किया आंख बंद कर दिया। कितना कारण हुआ तीन कितना हुआ तीन कल मैं पूछूंगा जो बोलेगा ना उसको इनाम दूंगा। और चौदह कारण बताए ऐसे नहीं यहाँ आओ पता सुनाओ घर में चले जाओ और पल्लू झाड़ करके यही करो नहीं कुछ लेके भी जाओ ठीक है ना। इसलिए चौथा कारण बताए कृष्ण सोच रहे हैं क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवतना है बोले जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि जतन करने पर भी अंतिम समय में कहीं प्रभु का नाम नहीं आता है लेकिन इसने पूर्व जन्म में क्या ऐसे पुण्य की और मेरे को गोद में उठा रही है इसलिए भगवान आंख बंद करके उसको पूर्व जन्म को स्मरण कर रहे थे बोले बात सही ये कोई साधारण नहीं बोले ये कौन है। जब भगवान बामन बनकर के कल जब बलि महाराज के घर में आए उनकी एक बेटी जिसका नाम थी रत्नमाला माता का एक स्वभाव क्या स्वभाव है अगर कोई सुंदर किसी बच्चे को देखे ना उनको इच्छा होता है हम गोद में ले भगवान स्वयं बामन बनकर के आए हैं अभी उनकी बेटी की इच्छा हो रही है अगर ऐसे ही लाला होता ना दिन भर में गोद में लेकर उसको मैं प्यार करती भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं बोले कोई बात नहीं मैं अगले जीवन में तेरा बेटा बनकर के आऊंगा लेकिन जब भगवान दो पग में सब कुछ ले लिया अब तीसरे पग रखने के लिए कोई जगह नहीं बोले बताओ बड़ा ठीक याद रहा था इतने दांत दूंगा कहीं तुम्हें झोली पसारने का जरूरत नहीं बताओ दो पग में हमने सब कुछ ले लिया उन्होंने गरुड़ को बुलाए बोले इसको बांध डाल उन्होंने बांध दिया। अभी वो बेटी सोच रही है ये तो बड़ा पुष्ट निकला ये तो पहले छोटा सा बना लेकिन ये तो बड़ी छोटा सा निकला पिताजी का सब के सब ले गया और मेरे पिताजी को बांध भी दिया बोले अगले जीवन में अगर तुम मेरे बेटे बन करके आओगे ना
तेरे को दूध क्या तेरे को मैं बीस मिलाऊ, इसलिए अभी वही पूतना अभी बन करके आ गई। भगवान देखे वही पूतना अभी स्तन में बीस लेकर के आ रही है, कोई बात नहीं तेरी इच्छा पूरी कर दूंगा। ये चौथा कारण। पंचमा कारण बताए, अभी भगवान बीस पान करके पूतना को स्तन में तब जहरी जहर और वो जो दूध है ही नहीं वो बीस भर करके लेकर के आई। अभी भगवान की गर्भ में ये अनंत बड़े विश्व ब्रह्मांड है, अगर भगवान उसका बीस पान करते तो क्या होगा, विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा। अभी विश्व ब्रह्मांड तरस उठे हैं, विश्व ब्रह्मांड डर गए, बोले हे प्रभु आप इसकी स्तन को मत पापिया करो, ये स्तन में दूध नहीं केवल जहरी जहर है, अगर आप ये जहर को पियोगे ना ये विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा। इतने में कृष्ण आंख बंद करके श्री भोले बाबा को बुलाए, बोले भोले बाबा जल्दी जल्दी आओ। बोले क्यों, बोले क्यों क्या, तेरा काम बीस पीना और मेरा काम है दूध पीना, तो बीस बीस को पी लो मैं दूध, दूध को पी लेता हूँ। इतने में पांच कारण हो गया, कल मैं पूछूंगा कम से कम पांच नहीं बोलो एक बोलना, मैं देखूंगा कौन बोल पाता है, ठीक है। इतने में कृष्ण स्तन क्या पान करके भगवान उसको प्राण बोलने शोषण की, पुतना छुड़ाने के लिए कोशिश की लेकिन छुड़ा नहीं सकी। अभी सोच रहे हैं किसी तरह से मथुरा चले जाए, मेरे भैया कुछ ना कुछ करेगा। जब जल पड़ी मथुरा में भयंकर उसकी रूप थी, बोले कितने बड़ी, बोले त्री गंभीर थी, बोले एक गंभीर छह मिल, मतलब तीन गंभीर मतलब कितना हो गया छह दिन, कितना हो गया अठारह मील थी, उतने इतने भयंकर रूप थी। और कृष्ण को लेकर जब जा रहे थे बोले कहां जाओगे, कंस का एक सुंदर बगीचा था, बड़ा प्यारा बगीचा, इतने सुंदर फल फूल से भरा पड़ा हुआ, लेकिन कंस का निर्देश था यहाँ का कोई भी फल कृष्ण और कृष्ण भक्तों को नहीं मिलनी चाहिए। किसको मिलनी चाहिए, मेरे को और मेरे जितने अनुयायी हैं, जितने सब अघास बकास को मिलनी चाहिए। कृष्ण ने कहा दारी के बनाया मैंने, दुनिया मेरा है और मेरे को और मेरे भक्तों को नहीं मिलेगा और जितने दुष्टों को मिलेगा। अभी मैं मजा चकाता हूँ, तो भगवान वहीं पर लेकर चले गए और उसका जो बगीचा थी ना बगीचा में धड़ाम करके गिराए, जितने लता पता फल फूल सब सत्यानाश कर दिया। हाँ देखो माताएं ध्यान देते सुन, इसका तात्पर्य देखिए। आज देखो कथा तो सात दिन लोग सुनोगे, इतनी सी बात लेकर के जाओ। ये उपनिषद कहता है ये दुनिया में जो कुछ देख रहे हो मैंने बनाया, ये दुनिया किसने बनाया, भगवान ने बनाया। इसलिए उपनिषद कहता है जो कुछ ग्रहण करो उसको दे करके प्रसाद रूप में ग्रहण करो, अगर उसको बिना दिए खाओगे बोले चोरी करना। जैसे तुम्हारे घर में कोई बिना बोले अंदर में गया, किसी सामान को उठा करके ले गया, बताओ ये क्या होगा, क्या होगा, चोरी। दुनिया बनाया किसने, भगवान। अगर उसको बिना भोग लगाए अगर तुमने खा लिया, उपनिषद कहता है सब चोरी किया, बोले चोरी करने पर क्या होगा, जेल जाओ, पर डंडे पड़ेंगे। मनुष्य का क्या कहता है, बोले स्वाद विष्ठा समच अन्न निरंच सुरासन, जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता है, कहते कुत्ते का विष्ठा खाना और ये अन्न दाल खाना बराबर, और पानी बोले पेशाब पीना, जो भगवान को भोग नहीं लगाते। लेकिन जो भगवान के भोग लगता है अमृत है। राणा ने मीरा के लिए जहर की प्याला भेजा, लेकिन मीरा तो जब तक गिरधर लाल को भोग नहीं लगेगा खाएगी नहीं, उन्होंने कृष्ण को भोग लगाया तो क्या हो गया, वो अमृत बन गया और मीरा ने अमृत करके पी गई। इसलिए क्या करनी चाहिए, भगवान को सबसे पहले भोग लगाया करो। लेकिन कोई कोई कहते हैं हम तो भोग लगाते हैं, बोले कैसे भोग लगाते हैं, बोले खूब तो प्याज लहसुन डाल के लेकर खाते हैं और ठाकुर जी को थोड़ी सी दूध नहीं तो बतासे भोग लगा देते हैं। देखो हमारे गुरु जी क्या कहते हैं, ये चीज को समझो, जैसे आप घर का मालिक हो, तुम्हारे घर में एक नौकर रहता है, ये नौकर क्या करता है, रोज रोज शाही पनीर मटर पनीर राजा चावल कढ़ी चावल चकाचक खाना बनाकर खाता है, लेकिन मालिक को जैसे तैसे खाना बनाकर खिला देता है।
अगर मालिक को ये बात पता चला ये नौकर बढ़िया बढ़िया का खाना खाता है मेरे को जैसे तैसे खिलाता है, आप लोग बताओ क्या करोगे नौकर? बोलो, और नौकर को क्या करोगे? क्या करोगे? निकाल दोगे। आप बताओ घर का मालिक कौन है? ठाकुर। वो तो जैसे तैसे बैठे हुए, वो जैसे तो उनका क्या आज नहीं, वो क्या नहीं देख रहे, सब कुछ देख रहे हैं, सारे चीज को देख रहे परख रहे हैं। अगर उनको थोड़ी सी दूध बता रात को तो ठाकुर को दूध भूख लगा देते हैं, देख दूध पीकर दूध रहा ना, देख कैसे लगता है तेरे को, तू एक बार दूध पीकर रहा हो जिसने, इसलिए ठाकुर को तो जैसे तैसे खिला दिया और स्वयं प्याज डाल कर खा रहे। नहीं, एक दिन ठाकुर जी धक्के मार के बिले से घर से निकाल देंगे। हाँ देखो, पैसा लक्ष्मी है, पैसा लक्ष्मी, लक्ष्मी किसका है? लक्ष्मी ठाकुर जी का है। अगर वो लक्ष्मी, ध्यान देकर सुनो, अगर वो लक्ष्मी ठाकुर को शराब नहीं लगता है, मतलब खाना बना करके अगर वो खाना ठाकुर को भोग में नहीं लगता है, करोड़ों संपत्ति तुम्हारी घर में आ जाए लेकिन घर में देखना शांति सुख नहीं है। क्यों? लक्ष्मी को तुम भोग करना चाह रहे हो, वो कोई बीमार भी आएगी, नहीं तो मामला मुकदमा लगा देगी, नहीं तो घर में कोर्ट कचहरी लगा करके ना सारे पैसा को उड़ा देगी लक्ष्मी। अब पैसा रहेगी अगर है ना, बहु बहु में लड़ाई लगा देगी, भाई भाई में लड़ाई और मामला मुकदमा करके भोग कर। क्यों? वो लक्ष्मी ठाकुर जी को सेवा में नहीं लग रही, वो घर में शांति सुख आ ही नहीं सकती है। ये चीज को समझ करके जाओ, ठीक है ना? क्या करना? प्याज लहसुन नहीं खाना, केवल एक चीज है जो भोग लगाने में बाधा है, ये प्याज लहसुन। पिछले 9 दिन तक नहीं खाते थे, काम चलता था कि नहीं? बोलो, चलता था ना। पहले किसी हिंदू घर में ये प्याज लहसुन नहीं घुसता था, हर हिंदू घर में ठाकुर का सेवा पूजा होती थी, लेकिन ये चीज मुसलमान ने लाए और हमको सब मुसलमान बना के चले, हम सब मुसलमान बन गए। कल बता रहे थे ना, गैया का मांस से ही ये प्याज सृष्टि हुई है, इसलिए इसको नहीं खानी। प्याज खाना मतलब गैया की मांस खाना, ठीक है? गैया की मांस खाओगे? नहीं खाओगे। इसलिए घर में भगवान की भोग लगाए बगैर कोई चीज नहीं खानी चाहिए। अब स्वयं देख लेना, भगवान को भोग लगाकर खाओगे ना, अपनी आप घर में शांति सुख अपनी आप घर में आएगा। आप बोलोगे पति नहीं मानेंगे, बच्चे नहीं मानेंगे, हैं? आप बोलोगे भैया जो नहीं मान रहे उनको मानने दो, लेकिन तुम तो खुद कुछ बना करके ठाकुर को भोग लगाकर खाओ और सबको खिलाओ। आप देखना धीरे धीरे अगर बगैर प्याज लहसुन को भोग लगाकर खाना खिलाओगे ना, घर अपने आप पवित्र हो जाएगा, सबके सब ये चीज छोड़ देंगे, सब के सब छोड़ देंगे, फिर तो घर शुद्ध बन जाएगा, घर पवित्र बन जाएगा। इसलिए पहले सुर करो, धीरे 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 सुर करो और भगवान की भोग ला के खाना खाया करो। बस ये वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। इतने में सारे ब्रजवासी पीछे पीछे भागे, कृष्ण को वहां से उतारे और जब उसको शरीर में आग लगाया ना, उसकी शरीर से चंदन और गुर कर्पूर की खुशबू निकल गई। बोले क्यों? बोले भगवान ने जिसकी स्तन पान किए हैं, ठाकुर जिसकी स्तन पान किए उसके शरीर से कर्पूर अगुर चंदन की खुशबू निकल रही थी। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, प्रभु जी धरा कर जय जय श्री राम जय जय। अच्छी चीज को आप समझा रहे हैं, देखो ये हंसी का चीज नहीं, आपको एक बहुत बड़ी चीज समझा रहा है। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, आपको एक चीज मिला जिसका नाम कहते हैं पारस मणि। नाम सुने हो? पारस पत्थर, जो लोहे को भी सोना बना दे। थोड़ी दूर गए आपको पारस पत्थर मिला, फिर क्या करोगे? फिर सबको फेंकोगे, क्यों? लोहे और कितना कीमती है, लाओ टच कराओ सोना बनते जाएगा, पारस पत्थर लेकर के जाओगे। लेकिन और थोड़ी दूर गए, भागवत में कहते हैं उससे भी एक कीमती चीज है जिसका नाम स्यमंत मणि। ये सूर्य को, सूर्य और सत्राजी, जो सत्यभामा की जो पिताजी का नाम सत्राजी था, सूर्य को साथ में उनकी मित्रता थी, इसलिए उन्होंने वो स्यमंत मणि दिया था। इसकी विशेषत्व है रोज रोज
कितने हजार किलो सोना अपनी आप जिससे निकलती है, सोने की चट्टान अपनी आप निकलती है, हैं? ये हम दशम स्कंध में आगे सुनेंगे, जिसको सेमंतक मणि कहते हैं। अगर मिला तो क्या करोगे? पारस पत्थर गुरु फेंकेगे, क्यों? लोहे लाओ, टच कराओ, फिर सोना बनेगा। इसका सोना अपनी आप निकलती है, फिर उसको लोगे। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, उससे भी कीमती चीज मिला, जानते हो उसके कीमती चीज किया? उसका नाम कहते चिंतामणि। चिंतामणि मतलब क्या? जो मांगोगे, चिंता करोगे, वही मिलेगा। लेकिन सेमंतक मणि क्या देगा? अगर बोलोगे आज बढ़िया बढ़िया खाने की इच्छा हो रही है, वो नहीं देगा, वो सोना ही देगा। आज बढ़िया बढ़िया पहनने की इच्छा हो रही है, वो नहीं देगा, केवल वो सोना ही देगा। बढ़िया घर मांग रहे हो, कुछ नहीं देगा, वो सोना ही और कुछ नहीं देगा। लेकिन जो चिंतामणि क्या देगा? जो चिंता करोगे, जो मांगोगे तुमको वही मिलेगा, इसलिए उसका नाम चिंतामणि। इसलिए भागवत कहता है कि जो भगवान का नाम है, ये नाम चिंतामणि। भगवान का नाम सख्यात कृष्ण हरि से बड़ा हरि का नाम, जो मांगोगे वही मिलेगा। लेकिन मिलेगा तो जब सही सही नाम उच्चारण करेंगे, बगैर अपराध के जब प्रभु का नाम जप करेंगे, ये नाम ही हमें सब कुछ देगा। अब देखो हनुमान जी, आपको जो कुछ हनुमान जी को मांगो वही दे देता है। क्या कुछ हनुमान जी का कोई फैक्ट्री चल रहा है? आप बताओ, हनुमान जी कोई कभी फैक्ट्री चल रहा है? जो जो मांगो वही दे देते हैं। कहाँ से देते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुमिरी पवन सुत पावन नामो आपन बस करे राखे रामो। केवल हनुमान जी प्रभु का नाम जप करते हैं, रघुपति राघव राजा राम पति पावन। केवल ठाकुर का नाम का बल पर शंकर जी को जो मांगो वही देते हैं। क्या शंकर जी कोई ठाकुर कोई खुला हुआ है? गोस्वामी जी कहते हैं, महामंत्र जई जपत महेशा पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर जी हर समय पंचमुख में एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण, कोई बोल नहीं रहे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े जोर करके बोलो, हरे देते हैं। माता जी को जो मांगो वही देता है। कहां से देती है? गोस्वामी जी कहते हैं, राम रामति रमति रम रम मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम बरारमे। माता जी हर समय प्रभु के नाम जप करती हैं। इसलिए जो कुछ ये देते हैं ना, सबके सब ठाकुर का नाम के बल पर देते हैं। अगर हम भी ठाकुर का नाम जप करेंगे ना, हमें भी सब कुछ मिलेगा। सब कुछ जीवन में जो हरि नाम से मांगोगे वही तुम्हें हरि नाम से मिलेगा। ठीक है, अभी प्रभु जी आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, भगवान की थोड़ी कथा सुनाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायण गोस्वामी नाम्ने। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद कृष्ण श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि नमन ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात श्री शिक्षा गुरुदेव भक्ति वेदांत। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये महामंत्र और हरिनाम संकीर्तन के जो पिताजी हैं, हरिनाम संकीर्तन पिता चैतन्य महाप्रभु, जिसकी हमने आपको कुछ कुछ कथाएं सुनाई हैं, उसी कड़ी में आगे चलते हुए हरिनाम की महिमा को हम जानेंगे। चैतन्य महाप्रभु का प्रथम विवाह हमने बताया था, जो
लक्ष्मी प्रिया जी के साथ हुआ था और लक्ष्मी प्रिया जी का देहांत भी शायद हमने बता दिया था, बताया था, याद है किसी को? अच्छा नहीं बताया। चलिए, लक्ष्मी प्रिया जो वल्लभाचार्य जी की पुत्री हैं, वो पूर्णता चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगी रहती थी, बहुत उच्च कोटि के विद्वान हो चुके हैं और निमाई पंडित की विद्वता इतनी उच्च कोटि की हो चुकी है कि दूर दराज से बड़े बड़े पंडित विद्वान लोग आते हैं और चैतन्य महाप्रभु से शास्त्रार्थ करते हैं और वो पराजित होते हैं। इन सबको देखते हुए चैतन्य महाप्रभु अपने कुछ शिष्यों को लेकर के पूर्व बंगाल में प्रचार करने हेतु गए। यहाँ पर नवदीप धाम चली गई। बोलो लक्ष्मी प्रिया जी की जय। अब यहाँ पर जो मैया शची मैया है चैतन्य महाप्रभु की माता, वो चिंतित हो चली है कि मेरा पहला पुत्र विश्वरूप तो संन्यास लेके चला ही गया, अब ऐसा ना हो कि ये मेरा जो दूसरा पुत्र है निमाई, इसका कोई भी ऐसा कारण नजर नहीं आ रहा जो उसको बांध सके संसार से, इसका ऐसा ना हो ये भी संन्यास लेके चले जाए। तो उन्होंने वहीं पर एक सनातन पंडित जी थे, उनकी पुत्री को देखा जिसका नाम था विष्णुप्रिया। वो सुंदर, अति सुंदर, और सुबह सुबह जब गंगा जी में जल लेने आती तो मैया को जो है दर्शन मिलते और मैया पूछती तुम किसकी पुत्री हो, तो उन्होंने बताया मैं सनातन पंडित की पुत्री हूँ। वो चाहती थी कि इतनी सौंदर्यवान लक्ष्मी स्वरूपा यही मेरी पुत्रवधु हो, क्योंकि मेरा जो पुत्र है चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित इतना सुंदर, उस जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं, इसीलिए भगवान का एक नाम है श्याम सुंदर। लेकिन यहाँ नवदीप में गौर सुंदर, क्यों? चैतन्य महाप्रभु राजा रानी का रंग लेकर के, अंग कांति लेकर के आए हैं, तो पूरे गौर पीत वर्ण है। तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छी पुत्रवधु कोई न होगी, किसी के माध्यम से सनातन पंडित तक खबर पहुंचाई कि यदि तुम्हारी पुत्री हमारे पुत्र निमाई के लिए हो जाए तो उससे अत्यंत कोई बात न होगी। निमाई पंडित मन ही मन सोचता था, सनातन पंडित मन ही मन सोचता था कि मेरी पुत्री यदि शची मैया के घर चली जाए, उनके वधू हो जाए, तो इससे परम सौभाग्य मेरा ना होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने पुनः पाणी ग्रहण किया विष्णुप्रिया जी का। बोलो विष्णुप्रिया जी की जय। अब चैतन्य महाप्रभु विष्णुप्रिया जी के संग बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे और विष्णुप्रिया पूर्ण तरीके से चैतन्य महाप्रभु अर्थात निमाई जी का बहुत ध्यान पूर्वक उनकी सेवा करती थी। आगे समय बीता तो इनको स्मरण हो आया कि इनके पिता का नाम क्या था, जगन्नाथ मिश्र, जो चल बसे थे, यह संसार छोड़ करके धाम चले गए थे। तो उन्होंने सोचा गया जाना चाहिए, गया में इनका पिंडदान करना चाहिए। तो निमाई पंडित जो है इधर से यात्रा करते हैं गया की। गया में गए, वहाँ पर सुंदर तरीके से गया में विष्णु चरण है, भगवान विष्णु के चरण कमल हैं, उनका दर्शन किया और वहाँ पर सुंदर तरीके से पिंडदान किया। वहीं पर लीला ऐसी कि ईश्वर परिपात जो इनके गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु जो जगत गुरु हैं, उनका कोई गुरु नहीं हो सकता, किंतु लीला जगत को संसार को समझाने के लिए सिखाने के लिए भगवान भी यहाँ आकर के गुरु धारण करते हैं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तो उन्होंने वहाँ पर ईश्वर परिपात जो माधवेंद्र परिपात जी के शिष्य हैं उनसे हरिनाम ग्रहण किया। वहाँ पर उन्होंने सुंदर तरीके से हरिनाम दीक्षा इत्यादि ग्रहण करके गंभीर हो गए। अभी तक ये निमाई नटखट थे, जैसे कृष्ण अभी तक वृंदावन में नटखटता दिखाते थे, कभी गैयाओं को ले जाकर गंगा में स्नान कराना, बछड़ों की पूंछ पकड़ के नदी को पार करना और छोटी छोटी बालिकाओं को तंग करना इत्यादि, ये भी निमाई पंडित यहाँ पर, क्योंकि कृष्ण है, कृष्ण जो है निमाई बनकर के बंगाल में नवदीप धाम में प्रकट है, तो यहाँ पर ऐसी लीला करते थे। लेकिन जब गया पिंडदान करके
और अपने गुरुदेव ईश्वरपुरी पास से इन्होंने दीक्षा ग्रहण करी तो इतने गंभीर हो गए, हा कृष्ण 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 हा कृष्ण, ऐसे करते करते रुदन करते आठों विकार प्रेम के प्रकट हो जाते, आंखों से अश्रु धारा निकल रही है, रोते रोते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करते करते जब वापस नवदीप में आए तो सब चकित रह गए। जो अन्य वहां पर वैष्णव लोग थे, भक्त लोग थे, वो सोचते थे कि ये निमाई इतना सुंदर तरीके से शास्त्रार्थों का अर्थ बताता है और समस्त विद्वानों को इसने हराया, लेकिन ये कभी भी वैष्णवता की बात नहीं करता, अर्थ को बिगाड़ के फिर पुनः स्थापित कर देता है, काश यह भी वैष्णव भक्त हो जाए। इस तरीके से वो भगवान के चरणों में प्रार्थना किया करते थे। और जब ये गंभीर निमाई अब वापस आए, हमेशा हा कृष्ण करके रुदन किया करते थे, तो यहाँ पर जितने भी भक्त थे जो अभिलाषा किया करते थे, ये इन्होंने जब सुना कि अब निमाई नटखटता नहीं दिखाता, चंचलता नहीं है, अब गंभीर हो चला है और अपने कुटर में घुस करके अपनी खटिया में लेटा लेटा बेहोश हो जाता है और रुदन करता है, आंखों से अश्रु धारा बह निकलती है, तो श्री व्यास जी वहां गए और उधर जाकर के उनका दर्शन किया तो उन्होंने देखा कि ये अब पूर्ण प्रेम के विकार में है, पूर्ण प्रेम के वशीभूत हो चुके हैं। और अन्य जितने भी लोग थे जो भी भक्ति में नहीं थे, वो कह रहे थे कि निमाई के ऊपर तो कोई भूत बवाल आ गया, कोई ऊपरी हवा आ चुकी है, इस तरीके से बात प्रचलित हो रही थी। अब यहाँ पर जो भक्तों ने जब दर्शन किए निमाई के, उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने अर्थात निमाई पंडित ने पूछा, क्या मेरे ऊपर कोई ऊपरी आ गई है? सब मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई भूत आ चला है। यहाँ पर पूरे नवदीप में ये बात चल पड़ी है कि मेरे ऊपर भूत आ चला है। तो श्री व्यास जी कह रहे हैं कि आपके ऊपर कोई भूत नहीं, हाँ प्रेम का भूत जरूर आ चुका है, और यदि ये प्रेम का भूत नहीं होगा तो मैं गंगा जी में डुबकी लगा के अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। आप कृष्ण प्रेम में विभोर हो चुके हैं निमाई जी, आप चिंता नहीं कीजिए, जिसके लिए हम हमेशा भगवान से प्रार्थना किया करते थे कि हे प्रभु कब हमारे इतने सुंदर निमाई, जिनको देख करके समस्त जीव आकर्षित हो जाते हैं, और कब हमें ऐसा हमारे साथ होगा कि हमारे साथ संकीर्तन करेंगे, अब वो समय आ चुका है। ये सुनकर के निमाई ने उठ करके उनका आलिंगन किया और अपने आंसुओं से उनका अभिषेक कर दिया, उनको मिला दिया। ये देख करके समय बीतता चला। अभी श्रीवास आंगन में रोज रात्रि में बहुत सुंदर तरीके से हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, और ये हरे कृष्ण महामंत्र ही नहीं, अन्य अन्य भगवान के नामों का संकीर्तन करते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा हरिनाम संकीर्तन पिता। जिन्होंने इस हरिनाम को जो है प्रकट किया, उत्पत्ति जिसने की, इसके जनक यही है, चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु अब यहां पर सुंदर तरीके से लोगों को भक्त बना रहे हैं। अभी तक तो ये निराकार की बातें भी किया करते थे, लेकिन अब साक्षात हरि की बातें करते हैं, कृष्ण की बातें करते हैं, हा गोपी करके दौड़ पड़ते हैं, गंगा जी को यमुना जी मान करके छलांग लगा देते हैं। इस तरीके से दशा होने लगी और थोड़े ही समय पे जो बलराम जी हैं कृष्ण के बड़े भैया, वह भी नवदीप में आ गए। उनका नाम क्या हुआ इस लीला में? नित्यानंद प्रभु। लो नित्यानंद प्रभु की जय। भगवान श्री कृष्ण का नाम तो है चैतन्य महाप्रभु और उनका नाम रखा गया नवदीप में निमाई। निमाई और चैतन्य महाप्रभु एक ही है। अब यहाँ पर नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी हैं वो भी इस लीला में आ गए और बहुत सारे भक्त वहां प्रकट हुए, हरिदास ठाकुर इत्यादि। एक हरिदास ठाकुर जो है नाम आचार्य की पत्नी चैतन्य महाप्रभु ने दी, क्योंकि 300,000 हरिनाम किया करते थे एक दिन के अंदर, 300,000 हरिनाम, जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये उच्च स्वर में 100,000, एक कीर्तन करते हुए 100,000, और 100,000 मन मन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से
वो 24 घंटे में से मात्र 45 मिनट अपना खाना पीना सोना जो कुछ करना था उसमें किया करते थे। ऐसे हरिदास ठाकुर, ऐसे ऐसे आचार्य जो वहां पर प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में, उन्होंने हरिनाम का प्रचार किया। तो अद्वैताचार्य जो वहां पर, अद्वैताचार्य जिनकी हुंकार से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, जब चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे, अद्वैताचार्य जी वहां पर थे, उन्होंने देखा समस्त लोग गलत खाना, गलत संग करना, खान पान बिगड़ा हुआ है, मांस मदिरा इत्यादि खा रहे हैं। उन्होंने हुंकार करके जगन्नाथ जी का, भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए गंगा जी में जाकर स्नान करके और चुल्लू में जल लेकर के तुलसी का दल रख करके शालिग्राम जी पर स्मरण करते हुए और हुंकार करते भाव विभोर होकर, हे प्रभु आप प्रकट हो, आप प्रकट हो, अन्यथा ये मुझसे नहीं होगा, ये कोई यहाँ पर हरिनाम नहीं करता है, आप स्वयं आकर के अपना हरिनाम धर्म का प्रतिपादन करें। तो ये जब सुना हुंकार से भगवान श्री कृष्ण का, गोलोक धाम में सिंहासन डोल उठा। ये अद्वैताचार्य जी भी नवद्वीप में, उनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रकट हुए। तो इन सब के माध्यम से अभी चैतन्य महाप्रभु सबको अलग अलग दिशाओं में दौड़ा रहे हैं। तुम इधर जाओ नित्यानंद प्रभु, साथ में हरिदास ठाकुर को ले जाओ, तुम इधर जाओ, ऐसे से टोलियां बना बना करके हरिनाम हट नाम रख दिया। नित्यानंद प्रभु के सानिध्य में, अनुगत्य में हरिनाम हट चला। हरि को, हरि के नाम का प्रचार इसको बोलते हैं हरिनाम हट। हरिनाम हट मतलब होता है दुकान, हरिनाम की दुकान लगा दी कि आओ भाई हमसे हरिनाम खरीदो, हमसे हरिनाम लो। और खरीदना क्या है, इसका मूल्य कोई धन नहीं, इसका मूल्य एकमात्र श्रद्धा है, तुम श्रद्धा दो और हरिनाम लो। इस तरीके से प्रचार होने लगा। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के साथ जाकर के दौड़ते और जहां भी किसी के घर में, चाहे नीच परिवार हो चाहे उच्च परिवार, ये जाति भेद नहीं देखते, किसी के भी घर में जाकर खटखटाते, कहीं से मैया निकलती, हे मैया एक बार हरि बोल बोलो, एक बार हरि बोल बोलो। जैसी मैया हरि बोल बोलती, नित्यानंद प्रभु एकदम जमीन में लेट जाते, लोटपोट हो जाते, भाव विभोर होते और बहुत अच्छी तरीके से आनंद में विभोर होकर के कहते, मैया तुमने मुझे खरीद लिया। इस तरीके से हरिनाम का प्रचार करते हुए चारों दिशाओं में घूम रहे थे। वहीं पर नवदीप में दो ऐसे असुर प्रवृत्ति के भी लोग थे जिनके नाम से पूरा नवदीप थरथर कांपता था। जिस समय आपने अभी महाराज जी ने सुनाया था हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु की कथा, और रावण और कुंभकर्ण ऐसे ही दो भाई जो कृष्ण लीला में भी थे शिशुपाल और दंतवक्र, वही कलयुग में भी फिर प्रकट हो गए, जिनका नाम था जगन्नाथ और माधव। नाम बिगड़ते हुए क्या हुआ, जगाई और मादाई, ये नाम पड़ा। और इतने दुष्ट, इतना उत्पटांग खान पीन, जो जो पाप हम सोच भी नहीं सकते वो इन्होंने पाप कई कई बार किए। मदिरा पीते रोड पर बैठ जाते, मटकियों में पहले मदिरा आती थी उसको लेकर के बैठ जाते और वहीं पर पीने लग जाते, वहां जाम लग जाता, वहां से लोग बाग किनारे होकर दूसरे रास्ते से जाया करते थे, इतना थर थर कांपते थे। तो एक दिन ये लोग गंगा किनारे नदी के बिल्कुल पास बैठ कर मदिरा पी रहे थे। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर की उम्र अभी बढ़ चुकी है, लगभग 60 के करीब थे, और हरिदास नित्यानंद प्रभु अभी जवान है। दोनों उछलते कूदते वहां पहुंचे तो हरिदास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु को कहा, हे प्रभु जी आप इनको ना दीजिए हरिनाम, ये बड़े खतरनाक हैं, ये उल्टा हम पर आक्रमण कर देंगे, ये बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, हर प्रकार के दुष्कर्म करते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं जिनके पास संपूर्ण बल है, और जब कृपालु होते हैं तो नित्यानंद प्रभु की तरह अखंड गुरु तत्व होने के कारण वो चाहते हैं समस्त जीवों को ये प्रेमदान किया जाए। उन्होंने कहा मेरे लिए कोई सुर नहीं, मेरे लिए कोई असुर नहीं, मैं सबको ये प्रेमदान दूंगा, सबको इस प्रेम की बाढ़ में डुबोऊंगा। अब हरिदास ठाकुर तो चुपचाप डर के मारे पीछे पीछे और नित्यानंद प्रभु आगे आगे। नित्यानंद प्रभु जाकर के बोलते हैं, हे भैया एक बार हरे कृष्णा बोलो, हे भैया एक बार हरे राम बोलो, हे भैया एक बार हरि बोल बोलो। लेकिन यहाँ जगाई मदाई ऐसे दुष्ट और इतनी मदिरा पी रखी है कि आंखें नहीं खुल गई, आंखें खोल करके देखना भी नहीं चाह रहे। फिर पुनः जब उन्होंने बोला, हे भैया एक बार हरि बोल बोलो,
एक बार कृष्ण नाम बोलो, एक बार राम नाम बोलो। तब उन्होंने देखा कि कौन बोल रहा है, देखा अरे ये लोग आज मरने के लिए आ गए हमारे पास, अभी हरि बोल नहीं बोल रहे, कृष्ण ही बोल रहे हैं। अरे इधर आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी हमारे पास आने की, भगवान का नाम तो गया बहुत दूर। ये उल्टा आक्रमण करने की प्रवृत्ति में आ गए, खड़े होने लगे। और पीछे जो हरिदास ठाकुर थे वो पहले से थरथर कांप रहे थे कि आज हमारे प्राण गए। और उन्होंने नितंद प्रभु को कहा चलो भैया चलो, वो लड़खड़ाते उठे और दोनों नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के पीछे जगाई और मदाई दोनों सुर असुर जो है दौड़ पड़े। दौड़े, हरिदास ठाकुर भी वृद्ध है और नित्यानंद प्रभु भी जवान है, तो नित्यानंद प्रभु जो दौड़ रहे हैं बड़ी तेजी से, हरिदास ठाकुर बड़ी मुश्किल से जान बचा करके पीछे पीछे गलियाओं से बचते बचाते निकल करके पहुंचे हैं चैतन्य महाप्रभु के पास और कहा महाप्रभु मैं इनके साथ कभी भी अब प्रचार में नहीं जाऊंगा। हरिदास ठाकुर ने क्या कहा, नित्यानंद प्रभु हमें मरवा के छोड़ेंगे, मैंने कई बार कहा ये दुष्ट लोग हैं, ये मार देंगे, ये जान से किसी को नहीं जानते, इतने दुष्ट हैं ये, जगाई मदाई के पास हमें लेकर के कह रहे हैं इनको मैं हरिनाम दूंगा, इनको प्रेमदान दूंगा, और आज तो हमारे जो है प्राण बचे, हे महाप्रभु इनके साथ मैं नहीं जा सकता। महाप्रभु बड़े सुंदर मुस्कान के साथ मुस्कुराए और कहा ठीक है हरिदास, चिंता नहीं करो, मैं नित्यानंद से कह दूंगा। अगले दिन पुनः नित्यानंद प्रभु को कहा कि देखो हरिनाम का प्रचार अच्छे से करो और इनका भी ख्याल रखो हरिदास जी का। फिर से भैला फुसला करके हरिदास जी को नित्यानंद प्रभु जी के साथ भेज दिया। अब अगले दिन भी पुनः सब जगह नित्यानंद प्रभु को लेकर के हरिदास ठाकुर कह रहे मेरे साथ आज चलना, मैं लेकर चलूंगा। हरिदास ठाकुर आगे हैं और गंगा जी इस तरफ है तो वो उस तरफ जा रहे हैं जिससे कि हमें उनका सामना ना करना पड़े जगाई और मदाई का, अन्यथा आज फिर आक्रमण कर सकते हैं। इस तरीके से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, लेकिन साथ में नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु जो साक्षात भगवान है तो उन्होंने क्या किया, घुमा फिरा के वहीं पहुंच गए जहां पर जगाई और मदाई पी रहे थे मदिरा। वहां पहुंच करके कहा भैया देखो कल तो तुमने हरि नाम लिया नहीं, कल तो तुमने हरि बोल बोला नहीं, कल कृष्ण नाम लिया नहीं, कृष्ण नाम बोला नहीं, आज बोल दो हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा हरे राम। लेकिन अब की बार तो मदाई उठा और मदाई ने वहां पर जैसे मटकियां पी पी के मदिरा पी पी के मटकियां फोड़ दिया करते थे, वह फूटी हुई मटकी उठा ली मदाई ने। और नित्यानंद प्रभु जो अभी भाव विभोर थे, हरिनाम लेकर के उनको उच्चारण सिखा रहे थे, हरिदास ठाकुर जो अभी वहां से 100 फुट दूर खड़े थे कि आक्रमण करेंगे अपनी जान बचाकर पीछे खड़े थे, तो उन्होंने देखते ही देखते मटकी नित्यानंद प्रभु के माथे पे दे मारी। और नित्यानंद प्रभु के जब माथे पर लगी मटकी टूटी हुई तो खून की धारा बहने लगी। ये देखते हरिदास ठाकुर वहां से भागे और अन्य जो भक्त है उन्होंने बड़ी जल्दी सूचना दी चैतन्य महाप्रभु को, महाप्रभु महाप्रभु अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, आज तो हमारे नित्यानंद प्रभु के सिर पर मटकी दे मारी, मदाई ने जल्दी आइए। इतना सुनना था, मन की गति से भी तीव्र गति से वह चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए और देखते देखते जैसे ही नित्यानंद प्रभु का उन्होंने दर्शन किया, नित्यानंद प्रभु के माथे से लहू की धारा बह रही है और तब भी नित्यानंद प्रभु बड़े आनंद में कह रहे एक बार हरे कृष्णा बोल दो, अब तो प्रसन्न हो जाओ, तुमने जो करना था कर लिया, अब तो बोल दो मेरे भैया हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। ये देख करके चैतन्य महाप्रभु पूर्णतः क्रोध में, साक्षात नारायण साक्षात कृष्ण जिनके सामने काल भी भय से भयभीत हो जाता है, उन्होंने देखा तो एकदम चक्र का आह्वान किया। चक्र कहते ही चक्र एकदम प्रकट हो गया और चक्र को देख करके जो जगाई मदाई अभी तक पूर्ण तरीके से मदिरा पी करके मद में थे पागल, उनके होश उड़ गए और वो समझते उन्हें देर न लगी ये साक्षात नारायण है और उनका चक्र है और ये देखते देखते ही हमारा गला को काट देगा, हमारे शीश एकदम धड़ से अलग हो जाएंगे। साष्टांग प्रणाम किया, हे महाप्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी धृष्टता हुई है, आगे पुनः कभी भी ऐसी धृष्टता नहीं होने पाएगी, हमें क्षमा कीजिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी क्रोधित है, पूर्णतः क्रोधित है। जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार
जो पूर्ण में प्रेम में अवतार है, जगन्नाथ जी का जैसा प्रेम में विग्रह है, ऐसे ही साक्षात चैतन्य महाप्रभु पूर्ण प्रेम में ही है। और प्रेम में होते हुए भी इतने क्रोधित हो गए कि किसी की बात नहीं सुन रहे। जगाई मगाई और अन्य भक्तों ने भी कहा, लेकिन नहीं। जब स्वयं नित्यानंद प्रभु आए और नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे महाप्रभु, इन लोगों को क्षमा कीजिए, आपका ये जो अवतरण हुआ है ये किसी को नाश करने के लिए, मारने के लिए नहीं हुआ, ये एकमात्र इनकी असुरता को मारते हुए उनको प्रेमदान करने के लिए हुआ। इन्होंने गलती की है, मदाई ने जरूर गलती करी है, लेकिन जगाई ने बाद में पश्चाताप करते हुए मदाई को रोका, हे मदाई ऐसा मत करो, इनको मत मारो, ये पंडित हैं, ये भक्त हैं, इनको मत मारो, ऐसे करते करते रोका था। तब महाप्रभु का क्रोध शांत हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने उनकी ओर दृष्टिपात करते हुए उनके माथे पर हाथ लगाया और आलिंगन किया। तब वो जो दोनों पड़े थे महाप्रभु से अपने भिक्षा मांग रहे थे, अपने जन इसकी जीवन की, वो दोनों जो है उनके चरण पकड़ के रो रो के कहने लगे, महाप्रभु हमें क्षमा कीजिए। तब उन्होंने कहा, मैं क्षमा नहीं कर सकता, जहां तुमने ध्रष्टता की है, जहां तुमने अपराध किया, उनके चरणों में क्षमा मांगो, वही हमें क्षमा कर सकते हैं। तब उन्होंने क्षमा मांगी और नित्यानंद प्रभु जी से क्षमा मांगते हुए रोते रोते उन्होंने पूर्णता जितने भी पाप किए थे अभी क्षमा मांगने के साथ ही वहां नष्ट हो गए। और फिर महाप्रभु के चरणों में पड़ करके जैसे ही उनका चरणों का स्पर्श हुआ, उनके पूरे शरीर के अंदर प्रेम उत्पन्न हो गया और रोते रोते कहने लगे, महाप्रभु अब हम पूरा जीवन आपके दास हैं, आपके हमेशा जो भी आप क्रिया करेंगे उसमें हम सहयोगी बनेंगे, हमने इतने बड़े बड़े पाप कर्म किए हैं, हे प्रभु इस जन्म में क्या 100 जन्मों में भी उन पापों से हमारा छुटकारा होने वाला नहीं है, लेकिन महाप्रभु आपने हमें दर्शन दे करके हम पर पूर्ण कृपा की है, इसलिए एक बार सब बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र महाप्रभु ने उनको प्रदान किया और वो जो इतने दुष्ट थे जिससे पूरा नवदीप थरथर कांपता था, वो हरिनाम जपने लगे रात दिन एक कर दी और गंगा जी का जो तट है उसको बिल्कुल स्वच्छ रखने लगे। जो लोग वहाँ स्नान करने आते वहाँ जो गंदगी छूट जाती उसको सफाई करते और हरिनाम में हमेशा विभोर रहते और रोते रोते हरिनाम करते। अभी भी आप जाएंगे नवदीप, महाराज जी आगामी वर्षों में आपको नवदीप लेकर जाएंगे, तो वहाँ पर भी अभी भी जगाई मदाई जो है तट है, वहाँ पर जगाई मदाई घाट के नाम से प्रसिद्ध है। उधर जाकर के आप देखेंगे कि इतनी सुंदर तरीके से ऐसे ऐसे असुर जो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हरिनाम प्राप्त करके हरिनाम में विभोर होकर के अपना जीवन को कल्याण किया। तो हमारा यहाँ पर आने का उद्देश्य हरिमोहन हरे कृष्ण, हमारा यहाँ आने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि हम सब हरिनाम जपना, हरिनाम संकीर्तन करना, इन सब में हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो, क्योंकि भारतवर्ष में यदि हमने जन्म लिया और उसके उपरांत यदि हम भगवान हरि, भगवान कृष्ण या भगवान राम इत्यादि को अपना हृदय नहीं समर्पित कर पाए तो जीवन हमारा निकला जा रहा है। और ये भी जरूरी नहीं कि अगला जन्म मनुष्य का ही मिले, कुछ पता नहीं 84 लाख योनियों में से कौन सी कृपा करके हमें योनि मिल जाए। इसीलिए महाराज श्री यहाँ पर कृपा करके यहाँ प्रकट हुए, ये मत जानिए कि ये हम सब की इच्छा से हुआ है, ये भगवत इच्छा और गुरु महाराज की इच्छा से ही ऐसा हुआ है। जहाँ थोड़ी सी भी श्रद्धा होती है वहाँ चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त पहुँच जाते हैं, यहाँ तो साक्षात जगन्नाथ जी भी आ गए। तो इसीलिए एक बार सब बोलेंगे, जगन्नाथ भगवान की जय, वंदे प्रभु की जय, सुभद्रा देवी की जय। अब कल एकादशी, एकादशी में आप सबसे निवेदन है कोई भी अन्न ग्रहण ना करें। हम सब अगर एकादशी रखते हैं बहुत अच्छी बात, नहीं रखते हैं तो भूख सताएगी, लेकिन घबराना नहीं,
आप अन्न को त्याग के फल इत्यादि कुछ भी खाइए, उसको खाने से आप पूरा व्रत रखिए। और हमारे यहाँ जो एकादशी का व्रत रखते हैं वो शाम तक नहीं होता, कई बार देखा गया कि व्रत जो है शाम तक रख लेते हैं, सूर्या अस्त हुआ उसके बाद स्नान आदि या मुँह हाथ धो करके भगवान को भोग लगा के अन्न खा लिया, नहीं, पूरा दिन पूरी रात अन्न नहीं खाना है, अन्न अगले दिन खाना है, उसको पारण कहते हैं। भगवान को जो भोग लगाया जाएगा, अन्न का नैवेद्य बना करके निवेदन किया जाएगा, उसमें तुलसी पत्ता दे करके भोग लगाया जाएगा, उसको जब प्रसाद बन जाता भगवान पा लेते हैं, उसके बाद हम उसको बोलते हैं प्रसाद, इसको उस महाप्रसाद को फिर पाने से हमारा जो है व्रत खुलता है। तो ये कल हम सब व्रत रखेंगे। एकादशी जो है भक्ति जननी बोली है, भक्ति को जन्म देने वाली, अगर किसी को भक्ति में बढ़ना है, यदि भक्ति करनी है तो एकादशी व्रत जो है भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है, इस अंग का पालन करना होगा। यदि हम एकादशी व्रत नहीं रखते और हम दिखावे हम बहुत बड़े भक्त हैं, वो कुछ भी भक्त नहीं है, वो सिर्फ छलावा है, दिखावा है। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कल का एकादशी व्रत और आने वाले समस्त एकादशी व्रतों को हम सबको रखना, ठीक है। और परसों 7:13 से पहले भगवान को भोग लगा करके महाप्रसाद बना करके उसको व्रत को खोलना है। इसका समय जो है पारण का समय हर एकादशी के अगले दिन द्वादशी में भिन्न भिन्न हो सकता है, कभी 10 होता है, कभी 10:30, कभी 7, मतलब सूर्य उदय से इस समय के बीच में हमें भोग लगा करके भगवान का महाप्रसाद प्राप्त करना है। और कल महाराज श्री या सुबह 7 महाराज 7 यहाँ पर उपस्थित होंगे। जिन जिन महानुभावों को हरिनाम ग्रहण करना है, आप सबसे निवेदन है भक्ति करने के लिए शुद्ध वैष्णव परंपरा में आना जरूरी है, और शुद्ध वैष्णव परंपरा चैतन्य महाप्रभु जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हों, जिस परंपरा में ऐसी शुद्ध परंपरा आपको मिल रही है बैठे बैठाए घर में, तो उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। और गुरु जी कल 7 यहाँ पर आ करके जिस व्यक्ति को या माताएं बहनों को हरिनाम करना है, भक्ति करनी है, वो सुबह बगैर कुछ खाए पिए, कल तो वैसे भी एकादशी है, पवित्र तिथि है, उसमें स्नान आदि करके यहाँ पर महाराज श्री हरिनाम प्रदान करेंगे। आप सब सौभाग्यशाली हैं, बहुत सुंदर तरीके से पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु की गूंज जो हरिनाम रूप में प्रकट है उसको आप ग्रहण कर पाएंगे। कल आप सबसे निवेदन है जो जो हरिनाम ग्रहण करना चाहता है ठीक 7 यहाँ पर उपस्थित हो जाए। धन्यवाद। वांछा कल हरे मनमन प्रभु जी, मनमन है इधर, दामोदर इधर आ जाए, इधर आ जाए मनमन, इधर आ जाए दामोदर। हरे कृष्ण है, कल एकादशी व्रत प्रभु जी बता रहे थे ना, हम लोग का घर में कौन कौन एकादशी व्रत रखते हैं, क्योंकि ये भागवत ग्रंथ में जैसे कोई सोमवार करे, कोई मंगलवार करे, कोई बुधवार करते हैं, ये भागवत में कोई व्रत का नाम नहीं, ये जितने सारे ग्रंथ व्यास ने लिखा, लेकिन उन्होंने सारे ग्रंथ लिख करके उनको शांति नहीं, लेकिन शांति का कोई जब उन्होंने भागवत ग्रंथ लिखा, इसलिए भागवत ग्रंथ में केवल एकादशी की कथा आती है और कोई व्रत का कथा नहीं आती है, कोई कथा नहीं आती है, इसलिए एकादशी व्रत को बताया। ये कल्पवृक्ष व्रत है, कौन सा व्रत है, कल्पवृक्ष मतलब जो मांगो तो वो ही मिलेगा। आप लोगों के पास में एकादशी व्रत की कथा है, ग्रंथ है आपके पास में, हाथ उठा कर किसको किसको घर में एकादशी व्रत की कथा है, अगर हो तो अच्छी बात, अगर नहीं हो तो आप कहीं से खर्च करके पढ़ना, कभी बीच में 15 में एक बार एक एकादशी आती है। अभी आप कथा सुन रहे थे ना, नंद बाबा ने सारे व्रत रखे थे, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र सारे व्रत रखे थे, लेकिन घर में बेटा उनको नहीं हुई है, लेकिन जब उन्होंने एकादशी व्रत रखे तब उनको बेटा हुआ। इसलिए आप लोगों को पढ़ करके देखना,
एक एकादशी का नाम पुत्रदा। पुत्रदा मतलब जिनकी घर में संतान नहीं हो रही, बेटा नहीं होते हैं, अगर वो एकादशी व्रत रखना जरूर घर में बेटा होगा। एक एकादशी का नाम अन्नदा। अन्नदा मतलब अगर ये एकादशी रखोगे घर में खूब अन्न आएगा, खूब शस्य आएगा। एक एकादशी का नाम इंदिरा। इंदिरा मतलब लक्ष्मी। अगर वो एकादशी व्रत करे घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी, घर में बड़ी पैसा आएगा। एक एकादशी का नाम विजया। विजया मतलब जो एकादशी करने से सर्वत्र तुम्हारी विजय प्राप्ति होगी, जहाँ जाओगे किसी काम में कोई फेल नहीं होगी, विजय प्राप्ति होगी। एक एकादशी का नाम मोक्षदा। मोक्षदा मतलब जिस एकादशी करने से जीव जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है, इसलिए उसका नाम मोक्षदा। एक एकादशी का नाम पाप मचनी। पाप मचनी मतलब जीवन में हमें दुख कष्ट क्यों आता है, यदि ये पूर्व जन्म का कर्म का फल से, पाप से, अगर वो एकादशी व्रत करोगे ना आपको सारे पाप से मुक्त हो जाओगे। इसलिए 15 दिन में एक एक एकादशी है, आप पढ़ करके देखना, हर एकादशी का अलग 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 नाम है। किसी राजा का राज्य खो गया था, उसने एकादशी व्रत के राज्य भी दे। किसी घर में इतने दुख कष्ट, इतने दुख कष्ट, किसी तरह से दुख दूर नहीं हो रहा था, एकादशी व्रत किया तो घर का सारे दुख दूर हो गए। आप स्वयं कहीं से ग्रंथ लेकर पढ़ना, आप देखना हर एकादशी की अलग 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 फल। देखो आप लोग हिंदू हैं, देखना जब कोई व्यक्ति बहुत दिन से सज्जा में लेटा हुआ, उसमें टाटी पेशाब कर रहा है, मृत्यु नहीं हो रही है, बड़े कष्ट उठा रहे, आप किसी ब्राह्मण को बुलाओ, उनको पूछो भैया इतनी जल्दी से जल्दी गति कैसे होगा, वो कौन सा व्रत करने के लिए बताएगा? एकादशी। सोम मंगल कोई व्रत नहीं मिलेगा, बोले कोई एकादशी व्रत करके आप इनको फल दे सकते हो। देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं विदेश गया था, यूरोप हालांकि में गया था, एक व्यक्ति 2 साल से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, शरीर हड्डी हड्डी रह गया था, इतने पैसा जा रहा था जो सोच भी नहीं सकते, इतने उसको गले में प्राण अटक गया था, प्राण जा नहीं रहा था। जब उनको पता चला भारत से कोई साधु आए, तब मेरे को उन्हें हॉस्पिटल में लेकर गए, पूरा परिवार, बोले बाबा इनकी मृत्यु नहीं हो रही है, 2 साल से हॉस्पिटल में पड़े थे, इसमें टाटी पेशाब, इतने दुख, इनको दुखा दुख नहीं देखा जा रहा है, बताओ इनकी उधार कैसे चलती होगी। मैंने कहा एक काम करो, आप लोग सब एकादशी व्रत करके संकल्प करके इनको दे दो। बोले बाबा 10 दिन बाकी है, इनका दुख देखा नहीं जा रहा है, पैसा तो पानी जैसे जा रहा है। मैंने कहा एक काम करो, आज संकल्प करो हम पूरा परिवार मिल करके एकादशी व्रत का फल देंगे। उन्होंने पानी देकर मैंने संकल्प कराया, उसकी 2 घंटा बाद में सही चली। मतलब कि एकादशी की इतने महिमा, इसलिए भागवत में कोई कोई लोग कहते हैं ना, अरे एकादशी तो विधवा को करनी चाहिए, सधवा नहीं करनी चाहिए। आप स्वयं भागवत पढ़ करके देखो, ये मैया जसोदा क्या विधवा थी, बहुत सधवा थी, इसलिए उन्होंने एकादशी व्रत किया। इसमें कल हम सुनेंगे अम्बरीश, कल अच्छे से बता सुनाऊंगा, अम्बरीश महाराज मथुरा में आकर उन्होंने 1 साल तक पत्नी को साथ में एकादशी व्रत किया। आप लोग बताओ तो एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी कौन सा, कौन बोले आप बताओ कौन सा बोलो, उसका नाम पांडवा निर्जला, जिसका नाम केवल निर्जला नहीं, पांडवा निर्जला एकादशी। पांडवा निर्जला मतलब क्या, जिसको पंच पांडव कुंती और श्री द्रौपदी को साथ में ये एकादशी व्रत करते थे। द्रौपदी का विधवा थी, रुक्मिणी सत्यभामा करती थी, जिसकी वजह से कृष्ण पति रूप में मिले उनको एकादशी की। लेकिन कुछ कुछ लोगों का और भी भ्रम है, इसका उद्यापन करना पड़ता है। हम भक्ति जगत में कोई उद्यापन नहीं है, हम लोग उद्यापन नहीं करते, क्योंकि जो एकादशी की लक्ष्मी है, एकादशी कौन है, ये राधा रानी ही स्वयं, ये भक्ति स्वरूपिणी राधा रानी है, इसलिए राधा रानी को उद्यापन त्याग नहीं देते। जब तक तुम्हारे जीवन हो तब तक रखो, जब तक नहीं रख सकते कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शास्त्र में बताया ये श्लोक है, अष्टा वर्षा पूर्ण भिक्षा आशीति सत, 8 साल से लेकर के 80 साल तक करनी चाहिए।
लेकिन आपकी जब तक समर्थ है तब तक एकादशी व्रत करो। जब समर्थ नहीं रहोगे नहीं करो उसमें कोई दोष नहीं लगेगा, उसमें भक्ति में कोई दोष नहीं। इसलिए एकादशी की बड़ी महिमा है। कल आपको बड़ी प्यारी प्यारी बड़ी मीठी मीठी कथा सुनाऊंगा और कौन पुराण में कहाँ कहाँ एकादशी के बारे में क्या क्या बताया आपको मैं बताऊंगा। देखो जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार अगर ये व्रत आप नहीं रखोगे ना आपको कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन एकादशी व्रत नहीं रखोगे दोष लगेगा। क्यों? ये अग्नि पुराण में बताया एकादशी का दिन अर्न में गोहत्या नर हत्या ब्रह्म हत्या भ्रूण हत्या और पिता माता हत्या जो पांच जो सबसे बड़े पाप है ये एकादशी का दिन अर्न में निवास करते हैं। जो व्यक्ति एकादशी का दिन अर्न भोजन करेगा उसको सारे पाप भुगतना पड़ेगा, सारे पाप से मुक्ति है। लेकिन एकादशी का दिन जो अर्न ग्रहण करते हैं उनको कोई मुक्ति नहीं। कल आपको सुनाऊंगा तो पति पत्नी थे उनको पता नहीं था एकादशी व्रत, अब सवेरे दोनों को ठंड में लड़ाई हो गई, दोनों में लड़ाई हो गई तो पत्नी ने बोली आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। पत्नी ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगी तू क्या खाना बनाऊंगी। दोनों देखना दोनों ही लड़ पड़ गए, पता ही नहीं था एकादशी, उनका दोनों का निर्जला एकादशी हो गया दोनों मान करके, और दूसरे जीवन में राजा और रानी बन करके जन्म हुए। कल आपको बताऊंगा ये संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर राजत्व करते तो राजा क्यों पहले जीवन में एकादशी किया। देखना घर में कभी कभी तो लड़ाई हो जाती है पति पत्नी में, देखना दो दो तीन तीन तक एकादशी चलती है, दो दो तीन तीन तक एकादशी चली जाती है। इसलिए अनजान में भी अगर कोई व्रत रख लिया तो कितने महिमा, अगर कोई जान बूझ कर रखे तो हम सोच नहीं सकते एकादशी कितने महिमा। और भागवत कथा में अगर एकादशी आ गई समझो चार चांद लग गया, उसमें कितना चांद लग गया चार चांद लग गए। भागवत की भागवत में एकादशी की कथा दी है। इसलिए और एक बात, कल है ना शाम को आप लोग जो एकादशी व्रत रखोगे आप सभी के लिए यहाँ प्रसाद है, आप घर में प्रसाद बनाने का जरूरत नहीं है। आप लोग यहीं पर जितने भक्त लोग आओगे आपके लिए आलू की सब्जी बनेगी, मखाना की खीर बनेगी, मूंगफली बनेगी, सब कुछ आपको यहीं पर कथा के बाद में आपको एकादशी। देखो अगर कोई कोई बोले हम तो सुगर का बीमारी है हम तो खाए बगैर रह नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना अगर 12 बजे तक रह सकते तो कोशिश करना, पर उसको बाद में जैसे आप लोग नवरात्रि नौ दिन तक नवरात्रि रखते थे जैसे फल मूल जैसे कुट्टू का आटा में पकौड़ा बनाकर खा सकते हो, फ्रूट भी फल दूध दही आलू की सब्जी खाने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन केवल अन्न मत ग्रहण करो। पांच तरह का रबी शस्य नहीं चलता है। पहला नंबर गेहूँ, गेहूँ में जो जो चीज बनती है जिसमें सूजी भूजी जो बनती है, उसके बाद में जौ, उसके बाद में सरिसा, जितने तरह का दाल है, इसलिए ये सब चीज एकादशी का दिन नहीं चलता है। लेकिन और जितने तरह का फल फूल दूध दही सब कुछ एकादशी का दिन आप खा सकते हो, ठीक है ना। कल सबके सब एकादशी व्रत रखना, कौन कौन रखेगा बहुत बढ़िया है कल सबके सब। और मैं कल अच्छी अच्छी कथा पुराण से बहुत अच्छी अच्छी कथा सुनाऊंगी आप लोग, देखोगे एकादशी कितने महिमा। हमारे दादा को तो फिर एकादशी बात उनका सुना ज़्यादा समय नहीं, 5 मिनट हरी बोल हरी, उसके बाद में सुनाएंगे हरे कृष्ण सामने आ जाओ जल्दी सबके लिए आज भी प्रसाद की व्यवस्था, कल भी होगा और परसों होगा कि नहीं आप बताए। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद।
बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर से बोलो सबको बसाओ में हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरु पाद बंधु नित्रीला भ्रमिष्ट जय विष्णु पाद अष्टसुध योगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दिनों प्रणाम करता हूँ, कृपा वांछा करता हूँ। शिक्षा गुरु पाद बंधु पूज्य पाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दिनों प्रणाम करता हूँ, कृपा वांछा करता हूँ। पूज्य पाद नवीन प्रभु ब्रह्मचारीगण उपस्थित भक्तवृंद सबके चरणों में दिनों प्रणाम करता हूँ। महाराज जी ने एकादशी का कुछ बोलने के लिए मुझे बोला है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात को बोलना चाहता हूँ। मनमोहन प्रभु बैठे बोलेंगे एकादशी के विषय में, पर एक जो चीज बहुत जरूरी है सबके लिए समझनी, पहली चीज तो ये, कितने लोग मानते हैं मंदिर में जितने देवी देवता है सब समान है, हाथ उठाओ सब एक है, कितने लोग मानते हैं? सब लोग मानते हैं वो एक ही है ना? नहीं, सब एक नहीं है। दो सिंहासन मंगा लो, दो सिंहासन मंगाओ और एक पर श्री राम जी को बिठा दो, अब बगल वाले सिंहासन में हनुमान जी को बिठाओ, कितने लोग बताओ बैठ जाएंगे? कितने लोग मानते बैठ जाएंगे? कहां बैठेंगे हनुमान जी? तो फिर आप एक जगह बिठा कर क्या साबित करना चाहते हैं? ये बात शास्त्रीय गंभीरता की है और ये समझनी पड़ेगी। हनुमान जी खुद बता रहे हैं वो भगवान के कौन है, वो भगवान के दास हैं। आप उन्हें जबरदस्ती भगवान बनाने पर तुल जाओगे तो वो भगवान बन नहीं जाएंगे। उनकी ही तरीके से जिस व्यक्ति को जो चीज अच्छी लगती है अगर उसको वो खिलाओ तो भरपेट खाएगा, या जो नहीं पसंद है जबरदस्ती खिलाओगे तो भरपेट खाएगा। समझना पड़ेगा ना, शिव जी भगवान के कौन है? परम प्रिय भक्त और बहुत बड़े सेवक है। हम उनको उनके समान बनाने में तुल जाएंगे वो बनेंगे नहीं। इसलिए मंदिर में बैठे हुए सब लोग समान नहीं, इसलिए शास्त्र में भक्ति की बात की गई। किसकी बात की गई? भक्ति की। देखो एकादशी व्रत शिव जी भी करते हैं, हनुमान जी भी करते हैं, लेकिन भगवान नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान का खुद वो व्रत है, इसलिए भगवान को व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। अब वो भगवान कौन है? विष्णु नारायण कृष्ण और राम। इसके अलावा जितने देवी देवता हैं चाहे आप उन्हें किसी भी आसन में बिठा लो, वो सब के सब एकादशी व्रत करेंगे ही करेंगे। उससे क्या बढ़ती है? भक्ति बढ़ती है। अब सबकी तो भक्ति होती नहीं, सबकी होती है पूजा, देवी देवताओं की होती है पूजा, और भगवान की क्या होती है? भक्ति। पूजा में और भक्ति में बड़ा फर्क है। किसी व्यक्ति को सम्मान देना यह पूजा, और किसी व्यक्ति को प्रेम करना ये भक्ति। भक्ति और पूजा में तो समझ आ रहा है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग मानते हैं ये भागवत है, ग्रंथ है, आप लोग इसको बड़ा सम्मान करते हैं, सब लोग कथा में आके बैठे हैं, इस ग्रंथ से जो मानते मिल जाता है, मिलता है ना, सब यही मान के इसलिए यहाँ पर सब प्रसाद ला रहे हैं, रोज केला ला रहे हैं, समय पे आ रहे हैं। इस किताब को प्रणाम करने से सब कुछ मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर लिखी हुई बातों को अगर गंभीरता से नहीं सुनेंगे या जीवन में नहीं पालन करेंगे तो जो बहुत कुछ मिलने वाला है वो मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए जितना ये ग्रंथ महत्वपूर्ण है इसमें लिखी शिक्षाएं इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जब कोई कथा होती है उसमें कोई बात करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बात से आप क्या बात हो रही है वो भूल जाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। और जो इसमें महत्वपूर्णता है, लोग इसकी परिक्रमाएं करते हैं 11, 21, 20, 51 लोग सुने आते हैं करते हैं, जब जहाँ भागवत होती है परिक्रमा, और जो मानते हैं मिलता है ये ग्रंथ की परिक्रमा करने से मिल रहा है। अब इसके अंदर क्या लिखा है ये नहीं पता है उसको, केवल किससे मिल रहा है इस ग्रंथ की। अब इसमें लिखी हुई बात को जब हम समझेंगे उसको आचरण करेंगे, बताए कौन मिलेंगे? जगत की वस्तु तो मिलेगी मिलेगी, छोड़ दो वो तो छोटी बात है, जो इस ग्रंथ के रूप में स्वयं इसमें बैठे हुए हैं वो स्वयं कृष्ण ही तुम्हारे हृदय में आकर बैठ जाएंगे। तो अब ये आपको समझना पड़ेगा कब बोलना है और कब नहीं बोलना है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा जब आवाज होती है तो कुछ समझ नहीं सकते आप, इसलिए बाकी चीजें बाद में हो जाती है, लेकिन कथा कथा का ही विषय है।
और एक छोटी सी बात को लेकर विश्राम करना चाहता हूं कि जो देवी देवता गण है हमको समझना पड़ेगा हनुमान जी किस प्रकार भगवान राम की सेवा कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति किसी को जब एक वर देता है, एक वरदान देता है, तो पहले के बाद दूसरा कब देता है? जब पहले में वो संतुष्ट ना हो तभी तो दूसरा देता, नहीं तो एक ही बात बन जाती है। तो जब हनुमान जी सीता जी से मिले तो हनुमान चालीसा में ये लिखा हुआ है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और असवर दीन, सब लोग मानते हैं। तो इस वरदान से हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए, आप लोग उनके पास जाकर के अष्ट सिद्धियां लेकर के हो सकते संतुष्ट, पर हनुमान जी से संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए दूसरा वरदान देना पड़ा अगली ही चौपाई में। जान तो क्या है वो राम रसायन सदा रहो, वो इस पर नाचे। वो दास बनने आए अष्ट सिद्धि नौ निधि के मालिक बनने नहीं आए, स्वयं शिव जी भगवान की भक्ति करने के लिए हनुमान जी स्वरूप में आए ताकि जगत का कोई भी संबंध पत्नी का पिता का कोई उनको रोग ना हो। पूर्ण आचरण एकादशी का बहुत सारा महत्व है, बहुत सारी चीजें से महाराज जी ने भी कहा। उदाहरण के साथ मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे इस एकादशी की कितनी महिमा है। कोई व्यक्ति कितना भी अधर्मी हो, आप लोग तो सब रहते संसार में आपको पता होगा, लेकिन एकादशी के दिन अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो सब लोग क्या बोलते हैं? सही सही बोल रहे हैं, कहाँ गया वो स्वर्ग नहीं गया, नहीं स्वर्ग में कहाँ जाएगा, मोक्ष जाएगा, सीधा भगवत धाम चला गया, जीवन में कुछ नहीं किया, ना कभी नाम किया, ना कभी मंदिर गया, मांस खाता रहा, शराब पीता रहा। हम सब की यह धारणा है एकादशी के दिन भगवत धाम के द्वार खोले रहते हैं एकादशी के दिन। वो करने वाले ना करने वाले के लिए नहीं है, सिर्फ तिथि में शरीर छोड़ने का फल इतना है। तब तिथि में छोड़ने का फल इतना है तो करने वाले के लिए क्या फल होगा? करने वाले क्या फल है? ना हम सोच सकते हैं ना हम समझ सकते हैं। और एक और बहुत जरूरी बात जिसको सुनकर के आप लोग जीवन में जरूर इसको समझने की कोशिश करना, एक व्यक्ति मेरे सामने शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, जुआ खेल रहा है, लोगों की हत्या कर रहा है, जब वो मरता है हम क्या बोलते हैं उससे पहले? ये पक्का कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बोलते हैं फिर। लेकिन जब वो मर जाता है उसके नाम के सामने क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी है ना, स्वर्गीय लिखते हैं। तू लिखते हो भाई, तुमको पता वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? जीवन में क्या बोलते रहे हम, कहाँ जाएगा? ये सबसे बड़ा धोखा हम अपने साथ करते हैं। इसके साथ ये बड़ी गंभीर बात है, हंसी तो आई लेकिन बहुत गंभीर, ये सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ है, अपने साथ कर रहे हैं। क्यों हम स्वर्गवासी लिख रहे हैं? हमको समझना होगा अगर उसको स्वर्गवासी भी बनाना है तो उसके हित किस में है वो हमको करना पड़ेगा बाद में, तब वो स्वर्गवासी बनेगा, हमारे लिखने से स्वर्गवासी बनने वाला नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान की कथा करो, भगवान का भजन करो, स्वर्ग की तो बात छोड़ दो, वो नर्क से सीधा भगवत धाम चला जाएगा। जैसे प्रहलाद महाराज को भगवान कह रहे हैं कि जब उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने बड़ा पाप किया, तो भगवान बोले कुछ वरदान दो, तुमने बड़ा कष्ट उठाया। तो उन्होंने पहले वरदान में ही कहा प्रभु मैं चाहता हूँ मेरे पिताजी ने बड़े पाप किए तो आप मेरे क्या करो उद्धार करो। तो भगवान बोले अरे उठागर वो देख तेरे कहने से मेरे तेरा पिता मेरे धाम जा रहा है तो तू ये क्या बोल रहा है? बोले मैं तो गारंटी देता हूँ। भगवान क्या दे रहे हैं? गारंटी दे रहे हैं। क्या गारंटी? जो कोई पुरुष भगवान की भक्ति करेगा उसकी 21 पीढ़ियों में उद्धार करूंगा। कितनी? 21। एक नहीं, एक पूर्वज नहीं, एक परिवार नहीं, 21 पीढ़ियां। और जो स्त्री भजन करेगी तो 14 पीढ़ियां। क्या करूंगा? उद्धार गारंटी है। बाद में कोई कुछ भी करता रहेगा जब तक वो काउंटिंग पूरी नहीं होगी वो कहां जाएगा? वो भगवत धाम ही जाएगा। भगवान गारंटी दे रहे हैं। पर हम स्वर्गवासी लिख करके उसको स्वर्ग नहीं भेज सकते, लेकिन अगर उसके लिए भगवान की कथा रखें, कथा भी क्या भागवत राम कथा इत्यादि रखने पर, यहाँ तक कि ये भी कोई ना कर पाए, घर में एक दिन के लिए भगवान के भक्तों को बुला करके अगर 5 मिनट भी उसने कोई कथा बुलवा देगा किसी भी भक्त के उद्धार की, वो व्यक्ति जहाँ होगा वहां से पक्का भगवत धाम चला जाएगा, गारंटी है। तो आप लोगों को खाली लिखना नहीं है, अपने जीवन में इस बात को आचरण करना है और अपने गए हुए पूर्वजों के लिए प्रार्थना करनी है कि हम इस तरह से भगवान का भजन करेंगे, एकादशी व्रत करेंगे, तब वो लोग कहीं भी हो ये पक्की भगवान का वचन है कि वो कहाँ जाएंगे? भगवत धाम चले जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है
क्या समझना, वो तो चाहता है, ऐसा करना चाहते हैं, अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कल आओ महाराज जी से हरिनाम ग्रहण करो, कल से ही एकादशी व्रत शुरू करो। अंधेरे पाक किया उजियारे पाक की से चक्कर में मत पड़ना, अंधेरी है उजियारी ज्यादा चक्कर में मत, नहीं जो है एकादशी की महिमा किसी पक्ष में कमजोर नहीं है। कल से सब लोग एकादशी शुरू करो, ये भागवत से इतना ही लेके जाओ, एक साल करोगे ना, एक साल बाद आप हमारी जगह यहाँ खड़े होकर बोल रहे हो, गारंटी दे आज की प्रसाद सेवा रविशंकर वर्मा अर्पिता करवाल पुत्र विजय करवाल वो आगे महाराज जी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तथा में सेवा की आनंद प्रकाश आनंद होता ही निरंतर वाले कृपा मंच पर महाराज जी आशीर्वाद रहेंगे। मात्र राकेश मनोहर की महेश आर्य जी भगवान का स्वयं वरदान बाकी भी आ गया। एक अन्न का दाना अगर श्री गिरिराज की सेवा में कोई दे दे, घर में कभी अन्न वस्त्र का अभाव नहीं पड़ता है, ये स्वयं बाकी बिहार ने आशीर्वाद दिया। इसलिए इन्हीं के लिए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी को शांति सुख दे और भगवान की भक्ति और भगवान की प्रेम दे। बोले गिरिराज महाराज की जय। मुकेश प्रजापति मोहन गुप्ता अंशुल गुप्ता कपिलगर मास्टर राकेश मोहनगर अंशुल गुप्ता आनंद प्रकाश आनंद गुप्ता एक ऑर्डर वाले आशु कुमार उनकी जगह चाहिए आनंद गुप्ता एक ऑर्डर वाले हरे कृष्णा। आप जिनका नाम लिया वो आ जाए। हाँ अभी हमारे एक छोटे प्रभु जी है बड़े प्रभु ये छोटे प्रभु जी आपको थोड़ी सी कुछ कथा सुनाएंगे फिर गिरिराज कथा सुनेंगे सब प्रसाद लेकर जाना ठीक है। देखो जैसे अगर आप अमेरिका जाना चाहते हो, आप लंदन जाना चाहते हो, अगर रसिया जाना चाहते हो, बताओ तो आपके पास में कौन सा चीज होनी चाहिए आप विदेश जा सकते हो, बताओ तो कौन बोलेगा। हाथ होगा बोलो जोर से बोलो बोले क्यों ऐसे अरे कोई बोल नहीं रहे। हाँ पहला नंबर होनी चाहिए पासपोर्ट, उसके बाद वीजा और उसके बाद में टिकट होनी चाहिए। अगर ये तीन चीज हो ना, देखो इसी दुनिया में भी अगर कहीं जाना चाहते हो, अगर ये तीन चीज चाहिए, अगर हम भगवान को पास में जाना चाहते हैं, ठाकुर जी को पास में, भाई हमारा पास में भी तीन चीजें होनी चाहिए। कितना चीज होनी चाहिए? तीन। अभी हमारे प्रभु जी वो तीन चीज के ऊपर बताएंगे, भैया ये वीजा क्या है, ये पासपोर्ट क्या और ये टिकट क्या है, हमारे छोटे प्रभु जी आपको ही बताएंगे। लोकेश गुप्ता जी अटेल वाले लोकेश गुप्ता जी नमो विष्णु पादाय राधिकाय व्यात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त शिरसिद्ध गोस्वामिनि नामम् वाञ्छाधर्मध्रुवश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासार शिवावर भक्तवृंद सभी लोग मेरे साथ हाथ ऊपर करके बोलिए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम सर्वप्रथम अपने बात पर
परमहंस परिवार पंजाब में अशोक कृष्ण दिशाओं में शिष्य के दाम श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण लोग अनंत कोटि नमन प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत मेरे शिक्षा गुरु भागवत श्री भागवतेश्वरी प्रभु के चरण कमलों में अनंत कोटि नमन प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णव माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में मेरे पहले प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव के आदेश अनुसार जिस विषय में गुरुदेव ने बोलने के लिए कहा है उसको बोलने की चेष्टा करूँगा। जब मैंने पहले कुछ बोलने का प्रयास किया था तब किसी को याद है मैंने क्या बोला था, मैंने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, कौन कौन था उस समय, आज भाव कौन कौन था, बस इतने लोग थे। कोई बता सकता है मैंने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी? सुनाई नहीं तेरा कोई एक तो बोल दो। मैंने कोशिश करी थी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड द एनिमल्स, मतलब हमारे अंदर और जानवरों के अंदर क्या भेद है, ये मैंने बताने की कोशिश करी थी। क्या भेद था, क्या भेद था? बोले हम भगवान की सेवा पूजा भगवान का नाम कर सकते हैं और वो लोग नहीं कर सकते, बस यही एक डिफरेंस है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारी जिंदगी जानवरों से भी गई गुजरी है। इसके इसको हटा करके अगर भगवान का नाम अपनी जिंदगी से हटा दें, अपनी लाइफ से हटा दें, तो जानवर हमसे ज्यादा बेहतर अच्छे तरीके से जी रहे, हम लोग उनसे और कई दूसरे तरीके से जी रहे। इसका सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, किसी जानवर को सुसाइड करते हुए देखा है? बोले कभी न्यूज में आया कि आज कुत्ते ने पंखे से लटक के फांसी लगा ली? कौन लगाता है? कुत्ते का मालिक लगाता है। तो टेंशन में कौन है, कुत्ता है कुत्ते का मालिक? तो परेशान कौन हुआ, गई गुजरी जिंदगी किसकी हुई? तो बताओ हम अच्छे हैं ना कुत्ते अच्छे हैं? हम बहुत अच्छे हैं, जब हम भगवान का नाम करते हैं तब तो हम अच्छे हैं, यदि हम वो नहीं करते तो जानवर हमसे ज्यादा अच्छे हैं। बोले भगवान का नाम कैसे करना है? अब हर चीज को जानने का एक प्रोसेस होता है। बोले इसका प्रोसेस क्या है? बोले जैसे गुरुदेव ने भी बताया, अगर हमें किसी और अदर कंट्री में जाना है तो उसके लिए तीन चीजें रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास तीनों में से एक भी चीज नहीं होगी तो आपको दूसरी कंट्री में एंट्री नहीं जाएगी, आपको वही एयरपोर्ट पे रोक दिया जाएगा। बल्कि उस एयरपोर्ट की बात छोड़ो, आपको अपने एयरपोर्ट पे रोक देंगे। बोले क्या? पासपोर्ट, वीजा और टिकट। बोले भट्टी राज्य में प्रवेश करने के लिए भी तीन चीजों की जरूरत है। बोले क्या? हरिनाम, कंठी और तिलक। जब लोग आप गेट में प्रवेश करते हो तो आपके माथे में सबसे पहले क्या लगाया जाता है? तिलक। आपको यहाँ पे किस चीज के बारे में बताया जा रहा है? भगवान के नाम के बारे में। अब एक चीज रहेगी, वो क्या? कंठी। बोले ये चंदन कोई साधारण चंदन नहीं है। बोले एक समय भगवान ने, जब भगवान द्वारिका में थे तो वहां की जो महिषियां थी, उनकी पत्नी थी, वो परेशान रहती थी। बोले क्यों? बोले कृष्ण सोते तो उनके साथ थे पर लेकिन रात में क्या बोलते थे? हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे, तुम कहाँ हो, कब आओगे वापस मेरे पास? तो बोले परेशान थे। बोले क्यों? बोले कृष्ण रहते तो हमारे साथ है पर उनका मन कहाँ पे है? अभी भी ब्रज में है, तो हमारे साथ रहते हुए भी हमारे पास नहीं है। बोले ऐसी उनमें क्या बात थी, हमारे अंदर बात नहीं है? तो जब कृष्ण को ये पता चला तो उनको लगा कि उनको शायद बताना चाहिए कि उनके अंदर क्या है। तो एक दिन उन्होंने सुबह उठे लेकिन स्वस्थ लीला नहीं करी। बोले क्या? बोले आज मेरे सुबह से सर में दर्द हो रहा। बोले वैद्य को बुलाओ। वैद्य आया, बोले इसकी इलाज मेरे पास नहीं है। इसको सुनकर के नारद मुनि आए। अब नारद मुनि कौन है? बोले भगवान के भक्त है। बोले भगवान की लीला को कौन जानता है? भगवान के भक्त। तो नारद जी समझ गए कि ये भगवान की कोई ना कोई लीला है। तो उन्होंने कहा भगवान आप ही बताओ कि आपके इलाज का क्या रास्ता है। तो भगवान जी ने कहा कि यदि कोई शुद्ध भक्त अपने चरण की धूली मुझे दे दे और उसको अपने माथे पर लगा लूं तो मेरे माथे का सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले रूपमणी की तरफ देखा। बोले आप इनकी पत्नी हो, आप इनकी भक्ति हो, आप इनको अपने पैर की धूली दे दो, चरण की धूली दे दो, उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा, आपके पति देव भी है। तो रूपमणी जी ने कान पकड़ ली। बोले ना 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 ना। बोले क्यों? बोले कि मेरे पति ऊपर से परमात्मा तीनों लोगों के मालिक, इनके अगर मैं अपने चरणों की धूली दे दूं तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? वही तो नरक में जाना पड़ेगा। उनकी सारी पत्नियों ने पूछा, सबने ये कर दिया। उधर जी से पूछा, उधर जी ने भी मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला सबने मिलकर, नारद मुनि आप ही तो भक्त हो, आप ही दे दो। तो नारद मुनि ने कहा जब तुम अपने होकर नहीं दे रहे तो मैं कैसे दे दूं? तो उन्होंने कहा कि
चलो मैं ढूंढ के आता शायद मैं भगवान का शरण भक्त मिल जाए। तो नारद जी सब जगह भ्रमण करके आगे करते सुने कि भगवान को अपनी चरण धूली देने से मना कर दिया। तब भगवान के पास आकर के भगवान ने उनसे कहा क्या तुम ब्रज में गए? तो नारद जी ने कहा ब्रज में क्या जाना है? बोले क्यों ब्रज में कौन है? इतने ग्वालियाँ रहती हैं, कंडे थापती हैं, धारा का पालन करती हैं, उनको क्या पता, उनके पास जाने का कोई लाभ नहीं। भगवान ने कहा एक बार जाकर तो देखो। नारद जी ब्रज में गए, सबसे पहले जाते जो गोपियों से मिले तो गोपियों ने कहा नारद जी सब कुशल मंगल? तो उन्होंने बोले काय का कुशल मंगल? बोले क्यों क्या हो गया? बोले सुबह से कृष्ण के सर में दर्द है, उनको कोई दवाई नहीं मिल रही। बोले क्या उपचार है? बोले एक ही उपचार है, यदि कोई उनका शुद्ध बात अपना सर उनकी चरण धूली दे रहे और वो सर पर लगा ले तो इससे उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो जो गोपियाँ थी उन्होंने छूटते ही क्या पूछा, बोले कुछ कट्टा गोली कुछ लाए हो या नहीं लाए हो? बोले चरण धूली लेके जानी है ना? बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम वास्तव में ग्वाली की ग्वालियाँ ही रहोगे, तुम्हारे बुद्धि नहीं है। बोले क्यों? बोले बताए वो कौन है? बोले कौन है? बोले तीन लोगों के मालिक हैं। बोले तुम साधारण समझ लो अपने पैर की धूली दे रहे हो। बोले एक बात बताओ। बोले वो कौन है? हमारे प्रियतम है, हमारे लिए उनकी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। यदि उनके सर दर्द ठीक होने से हमें नरक जाना पड़े तो हम नरक जाने को भी तैयार हैं। तो तब नारद जी ने इस माध्यम से उनको बताया कि आज भी भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्तों में किसकी गिनती है? बोले गोपियों की। और ये जो हम सर पे लगाते हैं भगवान ने खुद अपने सर पे लगाई है। जब भगवान ने लगा ली तो हमारी क्या हैसियत है? तो हमें लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए? जितने भी आप देवी देवता देखो सबके माथे पे तिलक होता है नहीं होता? जितने भी भक्त है सबके माथे पे तिलक होता है नहीं होता? तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो भक्त है या भक्त है? भक्त का बनोगे? अब जितने लोगों ने यहाँ पे तिलक लगाया कौन कौन है आज पर डिग्री तिलक लगाएगा? बड़े कम लोग हैं, क्या बात है? आ देखो आप लोग तो हिंदू है, आप लोग देखना जैसे कोई बच्चे में बिजनेस में ही जा रहा है हम क्या लगा कर बेचते हैं? तिलक लगा कर बेचते हैं। बोले क्यों भैया? तुम्हारी काम बन गया इसका तिलक मतलब है जैसे कोई युद्ध में जा रहा है तिलक लगा करके बेचते हैं। ये जो तिलक है ये विजय का लक्षण है। जैसे घर में पूजा है कोई पूजा कराना आएगा देखना जब तक वो तिलक नहीं लगाएगा ना तब तक पूजा नहीं कर पाएगा क्योंकि तिलक तो बगैर ये पूजा व्यर्थ है। आप देखो जगन्नाथ जी को देखो तिलक, ताऊ भैया को देखो तिलक, सबका तिलक है। हनुमान जी को देखना तिलक है, आप गणेश जी को देखना तिलक है, बगैर तिलक के राम को देखना तिलक है, बगैर तिलक के ठाकुर भी नहीं रहते हैं। जैसे आप लोग कुछ कोई कोई कहते हैं ना अरे दुनिया को दिखाने का क्या जरूरत है, अंदर अंदर में रखो ना तिलक लगा कर दुनिया को दिखाओगे। देखो आपसे एक प्रश्न करना, जैसे महाप्रभु जो सधवा माताएं बैठी आप सिंदूर लगाए कि नहीं, मांग भरे कि नहीं, मंगल सूत्र पहने कि नहीं, नाक में बेसर पहनते कि नहीं? बोले क्यों? तुम्हारे पति कब बने? शादी से पहले कोई मतलब था? अगर बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो और एक दिन तो सत्य सबको छोड़ना ही। जब ये संसार की पत्नी के लिए इतने तुमने धारण कर लिया, मांग भर लिए, सिंदूर लगा लिए, जो शरीर का पति के लिए जो जन्म जन्मांतर का जो परम पति है तो उसके लिए कुछ करनी चाहिए कि नहीं? जैसे आपका पति जीता है आपने सारे सौहार्द का चिन्ह उतार दो, उतार करके एकदम विधवा का रूप धारण करके तो पति को सामने चले जाओ, आप बताओ पति आपको स्वीकार करेगा कि नहीं? बोलो पति आपका स्वीकार करेगा कि स्वीकार करेगा? जब दुनिया की पति तुम्हें स्वीकार नहीं करता है वो परम पति क्या तुम्हें स्वीकार करेगा? अगर हमारे तिलक नहीं ना भगवान बोले भैया तेरे से मेरा कोई मतलब नहीं, क्या लक्षण है तेरे शरीर में तू मेरे को स्वीकार कर तो क्या लक्षण है? तिलक है, इसलिए तिलक ग्रहण करने से ठाकुर जी अपने आप हमें स्वीकार कर लेंगे। बोले कि अपना जन्म ये हमारी और दूसरा नंबर है कि ये हो गया पासपोर्ट तुम्हारी, फिर वीजा होनी चाहिए। वीजा क्या है? बोले कंठी। कंठी क्या है? बोले कंठी कोई साधारण नहीं है। बोले तुलसी, तुलसी के पौधे के साथ साथ देखा होगा शालिग्राम का, शालिग्राम की शादी होती है। बोले तुलसी देवी कौन है? बोले एक रूप में राधा रानी ही तुलसी के रूप में हमारे लिए हमारे साथ प्रकट हुई है। बोले भगवान को अगर हमें भोग लगाना है भगवान के सामने 56 भोग रखी है, यदि इसमें तुलसी पता नहीं दिया भगवान एक भी वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे। बोले कब ग्रहण करेंगे? जब तक उसमें तुलसी पता ना हो।
हमने अपने गले में तुलसी धारण करने का मतलब क्या है कि हमने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। बोले अब हम किसके हैं? बोले भगवान के हैं। हमारा कौन है? भगवान है। हमारे रक्षक कौन है? भगवान है। इसका मतलब है कि हमने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। बोला एक चीज और, बोले क्या? बोले जैसे ये तो क्या शास्त्रीय, बोले अभी जब बड़े गुरु जी श्री भक्तिधर नारायण गोस्वामी महाराज विदेश गए, उन्होंने भी एक बार विदेशियों को बोली, तो विदेशियों ने बोला हमारा माता खराब है क्या, हम गले में लकड़ी पहनेंगे, हमारे पास पैसे की कमी पड़ रही है, सोना पहनेंगे, चांदी पहनेंगे, हीरे जवाहरात पहनेंगे, हम लकड़ी भी पहनेंगे गले में। तो उन्होंने कहा इसके बारे में रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने रिसर्च करके पता लगाया कि पृथ्वी पे केवल दो ही ऐसे पौधे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। बोले कौन से? बोले एक पीपल का और दूसरा तुलसी का। और बोले तुलसी को जब हम गले में धारण करते हैं, बोले जब स्नान करते हैं और जब तुलसी की बीजों से जब पानी हमारे शरीर में टच होता हुआ जाता है, बोले पूरे शरीर को पवित्र करता है और जितने भी हमारे शरीर में रोग हैं, व्याधि हैं, वो सारी खत्म होती हैं। जब पंडित जी से बोलते हैं भाई हमारे घर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलते, पंडित जी क्या बोलते हैं? बोले अपने घर के बाहर क्या लगाओ? तुलसी का पौधा लगाओ। ये तुलसी तो हर प्रकार से शुभ है। बोले हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर बना है किससे? बना है हार्ट, मांस, खून, बीज, इन सब चीजों से बना है। और अब इन चीजों के ये सब चीजें क्या है? पवित्र ना अपवित्र? पवित्र है या अपवित्र है? और अब इस ये शरीर कैसा हुआ फिर? पवित्र या अपवित्र? बोले इस अपवित्र शरीर से भगवान की सेवा कर पाएंगे? बोले कब कर पाएंगे? बोले तभी हम भगवान की सेवा कर पाएंगे जब गले में कंठी धारण करेंगे। इसलिए सभी को गले में कंठी धारण करनी चाहिए। बोले दो चीज हो गई, तीसरी चीज क्या? देखो तुलसी है, देखो चीज को समझो। आप किसी मेडिसिन दुकान में जाओ, कल मेरे को बताना, आप पूछना आपके पास में तुलसी पावर है, पूछना किसी मेडिसिन शॉप में, देखना आपको इतना बड़ा शीशी देगा और उसमें इतना बड़ा पेपर मिलेगा। अब कल मेरे को ला करके दिखाना, आप उसको पढ़ करके देखना, कहते 200 बीमारी की जो दवा है ये तुलसी दुनिया है। ऐसे कोई बीमारी आप पातंजलि में जाओ, रामदेव बाबा का देखना, आप पूछना तुलसी जूस है कि नहीं, देखना उसको भी पढ़ करके देखना, कर 200 बीमारी का प्रतिषेध का जो मेडिसिन ये तुलसी विद्या है। अगर गले में तुलसी कंठी धारण कर लिया तो बहुत सारी बीमारी से हमें मुक्ति मिली जाएगी। देखो अभी प्रश्न है, हम इसको कंठ में क्यों धारण करते हैं, इसको गले में क्यों धारण करते हैं, ये चीज़ को समझो, इसमें क्या साइंस है। कहते शरीर का जो सबसे कोमल अपना कंठ है, किसी व्यक्ति को मारना हो जाता कुछ करने का नहीं, गला दबा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए शरीर में जब कोई गंदी चीज प्रवेश करती है वो गले से कंठ से, बच्चे को ताबीज कहाँ पहनाते हो बताओ? बच्चे को ताबीज कहाँ पहनाते हो? गले में धारण कराते। बोले क्यों? कोई गंदी चीज अंदर में प्रवेश नहीं करे, सब ये गले से ही अंदर में प्रवेश करता। अगर गले में तुलसी कंठी होना तुम्हारे शरीर में कोई भी गंदी चीज प्रवेश नहीं करेगा। तुलसी में मेडिसिन, तुलसी में महालक्ष्मी का निवास और तुलसी में बांके बिहारी का निवास। भगवान जब ये दुनिया छोड़ कर गए, कहाँ छोड़ कर गए? ये तुलसी वृक्ष में छोड़ कर गए। और जब महाराज जब दूतों को बोले, बोले देखो खबरदार, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको मेरे पास में मत लाना। जब दूतों ने कहा भैया हमें पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता नहीं करता, कुछ लक्षण बता दो। देखो उनने बोले दो तरह के कुत्ते हैं। कितने तरह के कुत्ते हैं? बोले एक पालतू और एक फालतू। जो पालतू कुत्ते देखना घर में, यानी कि घर में पट्टा बना हुआ रहता है, देखने से पता चलता भैया किसी घर के कुत्ते। और जो फालतू कुत्ते बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए गले में तुलसी कंठी मतलब है हम भगवान बांके बिहारी जी का पालतू है। आपको ऊपर में कोई भी नजर उठा करके नहीं देखेगा, कोई भी। क्यों? गले में कंठी बांके बिहारी की, इस गले में तुलसी कंठी को क्या पता चलता? भैया जी ठाकुर का भजन करते हैं। इसलिए जिनकी गले में कंठी कौन हो गया? पालतू। और जिसकी कंठी नहीं हो क्या हो गया? आप बताओ, आप पालतू बन गए ना फालतू बन गए? हम श्री बांके बिहारी की फालतू बनेंगे, फालतू नहीं बननी चाहिए। इसलिए इसको बताया ये वीजा है, बाहर सीधा बैठो पे जाओगे, लेकिन एक टिकट की जरूरत है। जब टिकट है ठाकुर जी की, नाम ही टिकट है।
इसलिए देखना जीवन में जो कुछ करना करो, लेकिन जब अंतिम समय में शरीर छूटेगा, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएगी, बोलो तो क्या बोलते बोलते ले जाएगी? राम नाम सत्य है। बोलो जोर से, राम नाम सत्य है। यही बोलते हैं ना भैया, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा नहीं बोलते। इसलिए भैया तुम जितने प्रभु का नाम लिया ना, तेरे साथ में वही जा रहा है, और तुमने जो कुछ जीवन में किया, जो भी बिताया, यहाँ देखे सुई धागा भी साथ में नहीं जा रही थी। पत्नी जाएगी तो रो रो कर दरवाजा तक चलेगी, आगे नहीं चलेगी। परिवार चले गए तो शमशान तक चलेगी, उसका आगे कुछ भी नहीं जाने वाले। इसलिए विदा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धरम, पायो जी मैंने राम रतन धरम पायो वास्तु इसलिए नियम है, ऐसे माला अपने आप लेकर जप करना शुरू कर दिया, नहीं उसमें फल मिलेगा, लेकिन वहाँ भगवत धाम तक नहीं पहुंच सकते। ये दुनिया की वस्तु देगा, लेकिन अगर किसी सदगुरु से ग्रहण करेंगे, ये नाम सीधा ठाकुर तक पहुंचा देगा। उदाहरण दिया, जैसे आपका हाथ में भी बोली, अगर ये बोली को आप जोर से किसी व्यक्ति को मारो, एक करके चोट तो लगेगी, लेकिन वही गोली को अगर बंदूक में भर कर मारोगे तो पता क्या होगा, पर इस पार से उस पार हो जाएगा। क्या उसी तरह भगवान की नाम जब हम किसी शुद्ध साधु से ग्रहण करते हैं, तो ये नाम हमें ठाकुर तक तो पहुंचा देगा। देखो एक छोटी स्टोरी सुनो, ध्यान देकर कल मैं पूछूंगा क्या सुनेगा। बोले एक समय कोई एक संत किसी घर में कथा कर रहे थे, कथा करते करते बोले, देखो भैया जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करते हैं ना, ये भव सागर से पार हो जाता है। लेकिन उसी घर में एक तोता पिंजरा में था, इतने में वो तोता बोलना शुरू कर दिया, बोले बाबा ये जो झूठ बात नहीं कहते, भगवान का नाम लेने से जीव भव सागर से पार हो जाता है। बोले झूठ क्या है, तो सच है। बोले तू मेरे को देख ले, ये छोटी सी पिंजरा में रहता हूँ, माली की जब जब आए तब तक राधे राधे राम राम कृष्ण कृष्ण तीन बार में बोलता रहता हूँ, अभी तक भी ये छोटे पिंजरा से मेरी उधार नहीं हुई। अब तू तो कहा तो भव सागर से पार हो गया, बहुत बड़ी बात है। वो तो चुप हो गया, घर में आकर के अपना बड़े गुरु जी को बोला, बोले गुरु जी ऐसे ऐसे बात है। बोले बेटा कोई चिंता मत कर, कल मैं तेरे साथ ले जाऊंगा। बोले जा तुम वहां पर कथा करो। फिर वो संत फिर कथा सुनाएगा, जो व्यक्ति भगवान का नाम जब करते हैं वो भव सागर से पार हो जाता है। फिर तोता बोल पड़ा, बोले बाबा ऐसे झूठ बात क्यों बोलते हो, भव सागर से पार हो जाओगे। इतने में गुरु जी वहीं पर खड़े थे, गुरु जी ने कहा उसने झूठ क्या बताया, सच तो बताया। बोले आप मेरे को ही देख लो, ये छोटा सा पिंजरा में रहता हूँ, जो घर में आए सबके राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे तीन बार बोलता हूँ, अभी तक ये छोटे पिंजरा से मुक्ति नहीं मिली, आप तो बहुत बड़ी बात कहते हो, भव सागर से उद्धार हो जाएगी। गुरु जी ने कहा देख बेटा, इसलिए तेरे को मुक्ति नहीं मिल रही है, चूंकि किसी शुद्ध साधु से किसी शुद्ध गुरु से तुमने नाम नहीं लिया, इसलिए तेरे को मुक्ति नहीं मिल रही है। तोता ने कहा फिर आप मेरे कान में मंत्र दे दो। फिर उसको गुरु जी ने उसको तोते के कान में ठाकुर का मंत्र दिया। मंत्र देकर बोला देख बेटा, जब तक तू इसकी अंदर में रह करके कृष्ण कृष्ण राम राम बोलो बोला मुक्ति नहीं मिलेगी। बोले गुरु जी बताओ फिर क्या करनी चाहिए। बोले आज एक काम करना, जब कथा की विश्राम हो जाए ना, तुम्हें एक नाटक रचाना, तुम शरीर छोड़ देना, जब शरीर छोड़ने का नाटक बनाओगे फिर तेरे को उसको अंदर में निकालेंगे, फिर तेरे को अर्थी में सजा करके ले जाएंगे, फिर तुम हर हर घर हो जाना।
विवाह गुरु जी ने तो बढ़िया मंत्र दिया। अभी जब कथा विश्राम हो गई वो तोता ने क्या किया, गुरु जी ने जैसे बताया था ना तोता ने शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिया लोगों ने कहा भैया आज तो तोते कथा सुनते सुनते शरीर छोड़ दिया, मतलब सीधा भगवान का धाम में गया। एक काम करो आज इनके अर्थी निकालो। अभी तोता को घर से निकाले, अर्थी में लेट आया और उसके गले में फूलों की माला दे करके अभी राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है करते करते जब ले जा रहे थे ना, इतने में तोता ने घर में टूट गया। टूट गया शादी के घर नहीं भैया, गुरु से नाम लेने से मुक्ति मिलती कि नहीं? बोले हाँ नाम लेनी चाहिए किसी शुद्ध साधु से लेनी चाहिए, शुद्ध गुरु से लेनी चाहिए नाम। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिनु गुरु भगति थी तरई न कोई जो बिरिंची शंकर सम होई। वो कहते ब्रह्मा शंकर जी के बराबर अगर कोई हो जाए, अगर किसी शुद्ध साधु से नाम नहीं ले संसार से पार नहीं हो सकता है। इसलिए नाम किससे लेनी चाहिए, शुद्ध साधु से लेनी चाहिए। इसलिए फिर कल है एकादशी है, कल बहुत अच्छी तिथि है। इसलिए कोई कोई व्यक्ति मेरे को बोल रहे थे बाबा हम माला जप करेंगे माला जप करेंगे, मैंने कहा एकादशी तिथि आएगी बहुत बढ़िया तिथि है, इसलिए उसी दिन माला ले लेना। देखो तभी हम माला जप करने के लिए देते, दो तरह का माला जप करने के लिए देते। आप लोग तो मांस मछली अंडा कुछ खाते नहीं, कुछ नहीं खाते हो, आप पवित्र हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर प्याज लहसुन खाता होगा फिर हम उसको माला तो देते हैं लेकिन तुलसी माला नहीं देते, उसको हम लकड़ी की माला देते हैं जप करने के लिए। इसमें तो प्रैक्टिस ही करो, जप करते 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 धीरे धीरे जितना जप करेंगे इसमें गलती चीज छूट जाती है। लेकिन जो व्यक्ति प्याज लहसुन नहीं खाएगा फिर उसको हम तुलसी माला देते हैं, फिर गले में उसको हम तुलसी की पट्टी तभी देते हैं जब कोई प्याज लहसुन मांस मछली का अंडा नहीं प्याज लहसुन नहीं खाएगा तभी हम उसको गले में तुलसी की माला देते हैं और जब करने के लिए भी तुलसी माला देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बोलेगा हम एक साथ में छोड़ नहीं पाएंगे फिर हम उसको नीम की माला देते हैं। और इसमें जब करते रहो भगवान का नाम लेते रहो और कोशिश करो धीरे 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 उसे छूट जाएगी। लेकिन आप लोग एक काम करना, जैसे कहते ना जो आज नहीं वो कभी नहीं, जो आज नहीं वो कभी नहीं। इसलिए कहते ना कल कर सो, कल कर सो, आज कर, आज करो और आज कर सो अब। इसलिए कल में प्रलय हुई कि गौरी रहेगी कब, इसलिए भगवान का जो नाम जल्दी से जल्दी लेकर के भजन करनी चाहिए। इसलिए आप दो तरह का बोल दिया, जो जिस रूप में करना चाहते हो, कल सवेरे में 7 बजे यहाँ पर आऊँगा, सवेरे में 7 बजे आऊँगा। जिनको माला लेकर हरिनाम करना सवेरे नहा धो करके बिना खाए पिए खाली पेट, कल एकादशी तिथि है खाली पेट में आप लोग यहीं आ जाना, लेट नहीं करना क्योंकि फिर मेरे को घर जाना पड़ेगा, बड़ों में जाना पड़ेगा, आ करके मेरे को 2 बार जाना पड़ेगा, ठीक है। बस ही वृंदावन बिहारी लाल की, बस गिरिराज महाराज की। अभी हम लोग से गिरिराज की कथा सुनेंगे और कल से राधा रानी जन्म लेगी। आज कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आए, नीला, सबके सब नीला ही नीला दिख रहे, कल सबके सब गुलाबी रंग के साड़ी पहनना, ठीक है ना। बोले गुलाबी रंग क्यों, कारण क्या, हम लोग होली खेल रहे ना, कहते आज भी रजनी होली रे रसिया, होली रे रसिया, हम होली खेल रहे ना, वो गुलाल का रंग कैसे है, गुलाल रंग है, गुलाल रंग है, और जो गुलाल रंग नहीं राधा रानी कृष्ण को और कृष्ण राधा रानी को पर फेंकती है, ये जो गुलाल रंग है ये अनुराग रंग, ये प्रेम का रंग है। देखो मेरी कपड़े के देखो ये गुलाल रंग है, हम लोग ये कपड़ा साधु संत क्यों पहनते हैं, ये राधा रानी कृष्ण का जो प्रेम को द्वारा हम अपना शरीर को हम ढक करके रखे हैं, इसलिए राधा रानी का जो चुंदरी का रंग गुलाल रंग है। इसलिए कल सत्य सब कौन सा रंग के साड़ी में लेगा, गुलाबी, हाँ गुलाबी रंग, और दूसरा कलर नहीं होनी चाहिए, एक रंग गुलाबी होनी चाहिए। और परसों भगवान कृष्ण की शादी है, द्वारकाधीश का शादी है, उस दिन सत्य सब लाल कपड़ा पहन के जाना, ठीक है। चुंदरी मुंदरी बढ़िया चटा चिटके से शादी में जाते हो। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय, जय श्री।
देखो एक समय कौन कौन गिरिराज गए हो, कौन कौन गिरिराज गए हो, आप बताओ कौन कौन जाना चाहते हो, बोलो आप सब नाम ले सकते। हम लोग ये बात बन के भक्त लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया भक्त लोग आप लोगों को। देखो कहीं नहीं ना आप लोग जो तिलक लगाते ना कहीं कहीं तिलक लगाने पर भी कोई लगाना नहीं चाहते, लेकिन मैंने देखा यहाँ पर तिलक लगाते हैं ना बड़े प्रसन्न होकर के तिलक लगाते हैं। ये जो लक्षण है ना बहुत अच्छी लक्षण है, ये गोपियों की चरण धूलि है, साधारण वस्तु नहीं। इसलिए आप लोगों के अंदर में बागपत के जो लोग बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे लोग हैं बागपत के भक्त लोग हैं। इसलिए कहते जो गिरिराज गोवर्धन देखो इनकी कथा सुन लो, गिरिराज कौन है, कहाँ से आए, किसलिए गिरिराज आए। और ये गिरिराज गोवर्धन एक समय गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण दोनों बैठे थे, आपस में चर्चा कर रहे हैं, ऐसे एक सुंदर स्थान हो जहाँ पर सुंदर झरनाएं हो, सुंदर सरोवर हो, सुंदर तालाब हो, चार तरह का कमल फूल खिला हुआ हो, हर तरह का फूल फल से भरा हुआ हो, जहाँ पर गर्मी नहीं हो, ठंडा नहीं हो, पृथ्वी का सबसे सुंदर स्थान हो, वहीं पर हम लीला करेंगे। तब श्री राधा रानी अपना हृदय से ये गिरिराज गोवर्धन को प्रकट किया है। इसलिए शास्त्र कहता है प्रकट है मनसा जात, राधा जी के हृदय से ये गिरिराज प्रकट हुई। और राधा रानी के से बड़ी दयालु बड़ी कृपालु से राधा रानी, उसी तरह ये गिरिराज भी बड़े दयालु। मैं कल बता रहा था ना जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी उसको पीछे 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 घूमते हैं, जितने कष्ट करके मेरी परिक्रमा लगा रहे क्या मांगेगा, जो मांगो गिरिराज वही दे देते हैं। इसलिए इनका एक नाम सर्व अभिष्ट प्रदाता, जो मांगो गिरिराज से धन दौलत पुत्र परिवार, किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, बिजनेस नहीं चल रही है, कोई भी विपत्ति लेकर के जाओ ना श्री गिरिराज सभी का झोली भर देते हैं, सभी का झोली गिरिराज भर देते हैं। इसलिए कल मैं बता रहा था ना गिरिराज स्वयं ये बात को बताए, गिरिराज अन्नकूट उत्सव में एक अन्न की दाना अगर किसने भोग में लगा दिया, किसी जीवन में घर में अन्न और वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगा, कभी उसकी घर में माँ लक्ष्मी भरपूर, उसकी घर में माँ लक्ष्मी की निवास होती है। और कल बता रहा था जो गिरिराज गए देखे होंगे गिरिराज शिला को पर शिला रखकर आते हैं, बोले क्यों, बोले ठाकुर जी हमें इतने मंजिली मकान दे दो, ठाकुर जी उसको उतना मंजिली मकान ठाकुर जी दे देते हैं। इसलिए जो माँ को गिरिराज से सब कुछ गिरिराज पूरी करते, बोले क्यों कारण है, क्या बोले कारण है विश्व ब्रह्मांड बाकी बिहारी को पूजा करता है, लेकिन बाकी बिहारी किसको पूजा किया, गिरिराज गोवर्धन को। विश्व ब्रह्मांड बाकी बिहारी को परिक्रमा करता है, लेकिन बाकी बिहारी किसको परिक्रमा की, गिरिराज गोवर्धन को परिक्रमा की। इसलिए गिरिराज की बड़ी महिमा गिरिराज की। एक समय श्री कृष्ण राधा रानी से बोले हे राधे ये मरते जगत में मैं जाकर के लीला करना चाहता हूँ, मेरे साथ में चलोगी, बोले मैं नहीं जाऊँगा, बोले क्यों, बोले जहाँ पर गिरिराज नहीं जमुना पटरानी नहीं, जहाँ पर नंदगांव बरसाना नहीं, मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। कृष्ण बोले देखो राधे जब ये गोलोक वृंदावन से मैं मरते जगत में उतारूंगा, ये संपूर्ण जो गोलोक वृंदावन को पूरा उतारूंगा, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ में मेरे ग्वाल बाल पिता माता जाएंगे, तू अकेली नहीं तेरे साथ में सखियां तेरे पिता माता ये सब के सब चलेंगे, पूरा ही गोलोक वृंदावन को उतार दूंगा। राधा रानी को लिखे करने चलते, इसलिए गिरिराज आए कहां से, ये गोलोक वृंदावन से श्री गिरिराज आए। एक बार गिरिराज की जयकार लगाओ, देखो जो जितने जोर से गिरिराज की जयकार देगा उसका उतना पाप कटेगी, उतना भक्ति मिलेगी और उसको इतना ऊंचा पूर्ण होगी, इतने जोर से जयकार देना से छत उड़ जाए। ठीक है, बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। लग रहा है कोई हो कुछ हो रहा है यहाँ पर, इसलिए श्री गिरिराज गोवर्धन जब इसी भक्त जगत में आए सारे देवता लोग स्वर्ग से पुष्प की बौछार की और श्री गिरिराज को उन्होंने जयकार लगा दी। बोले ये गिरिराज सालमल द्वीप में इनकी जन्म हुई और इनकी जो पिता थी ये द्रोणाचल पर्वत और इनकी जो माता जी जो धरा पृथ्वी, इनके बेटे रूप में श्री गिरिराज गोवर्धन आए।
अभी ये गिरिराज गोवर्धन है, ये वृंदावन में कैसे आए? ध्यान देना सुना, ये वृंदावन में कैसे गिरिराज आए, इसकी दो कथा आती है। एक कथा आती है जिस समय भगवान राम अभी माता सीता को उद्धार करने के लिए लंका जाएंगे, जितने बंदर को बोले बड़े बड़े पत्थर लाओ और उसको ऊपर में राम का नाम लिखते थे और पानी में छोड़ते थे, तैरता था। हनुमान जी ने देखा बड़े से बड़े पर्वत अगर मैं उठा करके ले आओ फिर तो मैया सीता की उद्धार जल्दी हो जाएगा। उन्हें सालमल द्वीप में गए और गिरिराज गोवर्धन को विशाल, आप लोग गए कि गिरिराज गोवर्धन देखे होंगे कितने बड़ी, जिसको परिक्रमा करने के लिए कम से कम 7 घंटा लगती है, उसी समय तो विशाल गिरिराज था। इतने में हनुमान जी जय श्री राम बोल करके पूरा उन्होंने पर्वत को उठा लिया और ऊपर से लेकर के आ रहे थे। अभी जहां पर ये गिरिराज गोवर्धन जब वहीं पर आए, इतने में ये जो सेतु बंध वार्ता समाप्त हो गया। भगवान राम बोले देखो बंदर को बोल दो और कष्ट करने का जरूरत नहीं, पर्वत रख लो, सेतु बंध बन गया। अभी हनुमान जी को खबर आया, हनुमान जी गिरिराज वहीं रख दिया जहां पर वृंदावन में गिरिराज। अभी गिरिराज तो साधारण थे नहीं, रोने लगे, बोले प्रभु इतने दूर से मेरे को लाए हो और अगर थोड़ी दूर ले जाते प्रभु चल कर के चलते राम स्वयं माता सीता के उद्धार होता, लक्ष्मण लाल सारे भक्त लोग मेरे सर को पर चल कर के चलते, अब मेरे को यही रख दिया, प्रभु की सेवा से वंचित हो गया। हनुमान बोले कोई चिंता मत करो, यही राम ही द्वापर युग में श्याम बन करके आएंगे और गिरिराज गोवर्धन को कनिष्ठ अंगुर पर उठाएंगे, सारे ब्रजवासी नीचे आश्रय ग्रहण करेंगे और जितने फल फूल से भरा रहोगे भगवान गैया चलाएंगे, रास रचाएंगे, लीला करेंगे, चिंता मत करो। इसलिए कैसे श्री गिरिराज गोवर्धन यहाँ पर आए, इनकी तो बहुत सारी कथा, लेकिन इतना कथा मैं जानता हूँ ना, सुनाओगे तो रात भर सुनते रहोगे, फिर आप लोग जाओगे नहीं, अभी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। इसलिए अभी एक समय श्री नंद बाबा मैया जसोदा सारे ब्रजवासी उत्सव मना रहे थे और मैया रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ और बड़े सुंदर सुंदर खाना बना रही थी। इतने में कृष्ण जाकर के बोले, बोले मैया मैया ये रात भर इतने बढ़िया पकवान क्यों बना रहे हो, कल क्या मेरे जन्म की थी? बोले नहीं, बोले ताऊ मैया का, बोले नहीं, बोले फिर क्यों आज बना रहे हो? बोले जब पिताजी की गोद में बैठ कर पूछो, कृष्ण पिताजी की गोद में बैठ कर ताली पकड़ लिए, बोले बाबा बाबा ये मैया रात भर क्यों इतने पकवान बना रहे हैं? बोले लाला कल हमसे इंद्र पूजा करे थे। बोले पिताजी इंद्र कौन है? बोले ये स्वर्ग के राजा है, इनके अधीन में मैं रहता है और हम लोग ग्वाल बाल, हमारी मूल धन गैया, गैया घास खाते हैं, दूध देते हैं, उसी दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से दही क्या बनता है, घी और दूध से ही सारे मिठाई सबको बनता, यही हमारी मूल आहार है, इसलिए हम इंद्र पूजा करते हैं। बोले पिताजी जहाँ इंद्र पूजा नहीं होती है क्या वहाँ बारिश नहीं होती है? बाबा चुप हो गए। बोले पिताजी समुद्र क्या इंद्र पूजा करता है, पर ये समुद्र में बारिश क्यों होती है? ये सारे जितने जंगल क्या पूजा कर रहे हैं इंद्र, इंद्र को फिर क्या बारिश कैसे होती है? बोले पिताजी हमारा जो ब्रज का राजा है ना, ये गिरिराज गोवर्धन है, ये पर्वत इसको मत समझो, ये साक्षात भगवान हमारे ब्रज का देवता, मेघ आकर इसमें टकराते हैं और ये बारिश होती है पिताजी, और जितने दूध जितने घास कहाँ पर होते हैं? बोले गिरिराज गोवर्धन में, और गैया खा करके दूध देते हैं और उसी से ही सब कुछ भरण पोषण होता है, झरना नदी सब कुछ कहाँ से? बोले श्री गिरिराज गोवर्धन से हमें मिलता है। बोले बाबा आप, बोले गिरिराज महाराज की जय। हरे कृष्ण, ए चुपचाप बैठे। इसलिए देखो जो गिरिराज गोवर्धन है ना, ये साक्षात गिरिराज, ये गिरिराज साक्षात है। इसलिए आप लोग जब कथा समाप्त होगी इसको आप लोग ने 4 बार परिक्रमा करना, ठीक है ना, तो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की फल मिल जाती है और जो कुछ मांगोगे गिरिराज सारी इच्छाओं को गिरिराज पूरी कर देते हैं। कथा के बाद में आरती के बाद में परिक्रमा करना, ठीक है। इसलिए अभी बोले बाबा ये गिरिराज इंद्र पूजा कब से कर रहे थे? बोले जब से होश आए। बोले देखा इंद्र को खाते हुए? बोले नहीं। बोले पिताजी जब ये गिरिराज की पूजा करोगे ना साक्षात देखोगे
ये गिरिराज स्वयं प्रकट होकर सब कुछ कर देंगे। और जो गिरिराज से मांगोगे सब कुछ गिरिराज तुम्हारी झोली भर देगा। बल्कि लाला इन्हीं आंखों से दर्शन होगा, बोले हाँ इन्हीं आंखों से। बोले भैया कल हमें इंद्र पूजा नहीं, कल से गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। वहां पर तो चार तरह का चावल लाए, एक मीठा चावल, एक नमकीन चावल, एक तीखा चावल, एक मटर पनीर डाल कर। आप लोग ने कितने तरह के चावल लाए? कोई चावल ही नहीं लाए। कढ़ी तो दो तरह के लाए, एक राड़ कढ़ी और एक सुहागिनी कढ़ी। सुहागिनी कढ़ी जिसमें पकौड़े डालकर बनाते और राड़ कढ़ी बगैर पकौड़े के लिए बनाते। दो तरह के चूरमा लाए, एक हंसना और एक रोना। हंसना मतलब पतल में रखते जो खींच जाए, रोना मतलब जिसे घी टपकता है। मतलब दस तरह का परठा लाए, गोभी की, बथुआ की, आलू की, और इतने सामान वहाँ पर लाए। उसका नाम पड़ गया अन्नकूट। अन्नकूट मतलब क्या? कूट मतलब होता है पर्वत। अन्न मतलब रोटी की और मालपुआ की, सब्जी की, जो कुछ लाए पर्वत पर्वत आकार में। कितने गांव ब्रज में? बोले 365 गाँव है। अभी भी गिनोगे ना ब्रज में 365 गाँव अभी भी। तरली वरली सही ऊंचा गाँव, नीचा गाँव, वृंदावन, नंदगाँव, बरसना, चावट, कोकिलावन, अभी भी आप देखोगे 365 गाँव है। इतना लाए पूरा कितना गिरिराज गोवर्धन भर गया। कृष्ण स्वयं उन्होंने पुरुष सूक्त मंत्र से उन्होंने गिरिराज के अभिषेक किया। अभिषेक करके ये गिरिराज को श्रृंगार की और जितने खाना लाए थे ना सबको ऊपर में तुलसी दल रख दिए। तुलसी दल रख करके उन्होंने गिरिराज का आसन पात्र और आचमन दे करके गिरिराज को उन्होंने आह्वान की। जब उन्होंने ठाकुर जी को भोग लगाया, इदं सहृद नैवेद्य उपकरणं श्री गिरिराजाय स्वाहा, इतने में स्वयं गिरिराज प्रकट हुए। सारे देख रहे थे, इतने विशाल रूप था, मानव आकाश को स्पर्श कर रहे थे और स्वयं बोल रहे थे, देखो मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन हूँ। आज का दिन जो व्यक्ति मेरी पूजा करेगी किसी जीवन में कभी घर में अन्न वस्त्र की अभाव नहीं पड़ेगी। अगर कोई मेरे को अपमान करेगा कांगाल जन्म जन्मांतर कांगाल बना रहेगा। इसलिए स्वयं विशाल रूप में से हाथ पसार पसार कर खा रहे थे। इसलिए जब उन्होंने मिनट में सब कुछ खा लिया, बोले आना रे और लाभ और लाभ। गोवर्धन परिक्रमा कौन लगाया? अब देखना, जब परिक्रमा रखा उन्होंने, जो पहला गांव आएगा उसका नाम आनर का, क्योंकि वहीं पर कृष्ण गिरिराज की पूजा की थी। इसलिए ब्रजवासी बोले प्रभु हम गरीब ब्रजवासी, आप इसी में ही संतुष्ट हो जाओ। फिर उन्होंने तालाब का तालाब पानी पी लिया और उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने हाथ घुमा दिया। उसने ब्राह्मण बालक, हम अधुमंगल था, वो तो ब्राह्मण बालक है, थोड़ी खाने पीने में उनकी ज्यादा रुचि। जब गिरिराज सब कुछ खा लिया, इतने में श्री मधुमंगल का कन्हैया अगली बार से तेरी गिरिराज पूजा नहीं चलेगा। बोले क्यों? बोले इतने भूखे ठाकुर, जब इंद्र पूजा करते थे जो सूखा प्रसाद ना, कम से कम 15-20 दिन तक तो हम सूखा प्रसाद खाते थे। इतने भूखे तेरे ठाकुर एक किनका भी नहीं करा, सब खा लिया। भैया अगली बार में ऐसे ठाकुर को पूजा नहीं करेंगे। कृष्ण ने कहा ऐसे मत कहा करो, आंख बंद करो, संकट से आंख बंद करो। जब आंख बंद किया ना, गिरिराज ऐसे हाथ घुमा लिया। जो 5 किलो का रोटी का पूरी लाया था 10 किलो हो गया, जो 2 किलो का सूजी लाया था वो गया 4 किलो, जो बेसना का लड्डू लाया था 2 किलो 4 किलो हो गया, जो रसगुल्ला 1 किलो हो गया 2 किलो, जो जितने जितने लाए थे ना, जब भगवान हाथ घुमा लिया सब डबल डबल हो गया। मतलब क्या? भगवान को भोग लगाने से कभी घर में अभाव नहीं पड़ेगी। घर में कभी ना प्रसाद कभी कमी नहीं पड़ता है। इसलिए जितने ब्रजवासी तो तरस गए, बोले भैया आप तो थक ही गए। बोले क्यों? बोले हमें पता ही नहीं था डबल डबल हो जाएगा, नहीं तो और था ज्यादा ज्यादा बता देते हैं। हम तो थक गए। अभी इतने में कृष्ण ने कहा ब्रजवासियों चकाचक भजन करो। चलो भजन करते हुए श्री गिरिराज की परिक्रमा लगाएंगे। भगवान स्वयं परिक्रमा लगाए। पहले कौन चल रहे थे? संत ब्राह्मण, उसको पीछे जितने गैया भी चल रहे थे, उसको पीछे ब्रजवासी पुरुष और उसको पीछे माताएं और सबको पीछे गोपियां और सबको पीछे राधा रानी चल रही थी।
परिक्रमा करते करते हम थोड़ी दूर गए ना, अभी राधा रानी सोच रही थी, क्या सोच रही थी, अगर कृष्ण बीच में, अगर कृष्ण सचमुच से मेरे प्रियतम है, मैं चाहता हूँ एक बार कृष्ण को दर्शन करूँ। अभी कृष्ण राधा जी हृदय की मणि का समझ गए, बोले भैया मैं तो बीच में राधा रानी पीछे, अभी दर्शन कैसे दूं। इतने में कृष्ण गैया चराते जो लकोटी में है उसको उन्होंने ऐसे उन्होंने फेंके ऊपर को, फेंक करके उसे जो पकड़ने के लिए गए, राधा रानी के दो हाथ और कृष्ण की दो आंख मिल करके क्या हो गया, एक हो गया और राधा रानी प्रेम में गदगद हो गई। बोले कन्हैया कांके बिहारी मेरे मन की बात समझ गई। और थोड़ी दूर गए, अभी राधा रानी सोच रही है कृष्ण क्या थोड़ी सी मेरे स्पर्श करेंगे। इतना में कृष्ण राधा जी मन की भाव समझ गए, बोले स्पर्श करो कैसे। उन्होंने एक बछड़े का मुंह पीछे करके उसको पूंछ को ऐड दिया, ओ बछड़ा मुद्दत तो पीछे चला गया। जब पीछे चले गया इतना में कृष्ण उसकी बहाना बना करके पीछे गए, राधा रानी सबसे पीछे चल रही थी और उनको स्पर्श कर लिया। अरे राधा रानी का हृदय तो एकदम खिल गया। ऐसे करते करते पूरा गिरिराज जी परिक्रमा लगाए, ब्रजवासियों ने प्रसाद पाए और फिर क्या होगा हम कल सुनेंगे कैसे इंद्र बड़ा नटखट करना है। देखो यहाँ पर है ना, आप लोग में सब जगह पर गया लेकिन देखा मैं श्रोता जल्दी आते हैं, लेकिन यहाँ पर देखता हूँ जो श्रोता है ना गड़बड़ करते हैं, जब खत्म होते आता है तभी तभी आते हैं कथा सुनने के लिए। ऐसे नहीं, नियम है। देखो मैंने पहले बताया था कथा कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष मतलब क्या है, जो मांगोगे वही मिलेगा। अगर आपने सही सही सात दिन एक मन से सुने तो जो निर्धन उसे धन देता है, जो निरोग रोगी उसको निरोग, पुत्र ही पुत्र, जो मांगोगे मुक्ति का भी मुक्ति, भक्ति को भक्ति। लेकिन कब देख, जब कथा सुनोगे, जब सिनेमा जाते हो कब जाते हो, लास्ट में जाते हो ना पहले जाते हो। लेकिन यहाँ पर देखता हूँ भक्त थोड़ा गड़बड़ी करते, जब कथा विश्राम होने आता है ना तभी आते हैं। नहीं देखो, और दो दिन के बोले कथा है, मैं कल देखूंगा, मैं आने से पहले जैसे यहाँ पर सबके से भक्त लोग आ जाए, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। प्रभु जी अभी गिरिराज की बड़े सुंदर भजन सुनाएंगे, आप सबके सब खड़े हो जाओ और गिरिराज की भजन में सबके साथ नृत्य करना। गिरिराज की भजन में बोले श्री गिरिराज बाबा की, Thank you.
Go, 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 go
Thank you.
थोड़ा दूर हो गए, जाओगे तो गिरराज जी गिर जाएंगे। थोड़ा परिक्रमा जो थोड़ा दूर हो जाओ।